लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीईओ ही के पेरेंट्स से ही मेंशन में जाता है मिलने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वाकई में ही जो है वो ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, जहाँ पर दिखाते हैं बॉर्न स्टार रॉयल एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री दिखाते हैं, उनकी एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो दिखा रहे हैं। और तभी यी को उसका पुराना मैनेजर मिलता है और बोलता है कि मिस्टर यी आप इस तरफ आइए। तो यी बोलता है कि मैं लेट हो गया मिस्टर झाओ। और तभी मिस्टर झाओ बोलते हैं कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम सही टाइम पे आए हो, और मुझे जो है पंचुअल पीपल जो होते हैं, जो सही टाइम पे पहुंच जाते हैं एग्जैक्ट टाइम पे, वो लोग मुझे बड़े पसंद हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको लिफ्ट की तरफ ले जाता है। और तभी तो बताता है कि मिस्टर लिन एंड मिस जैंग जो है वो ऑलरेडी जो है अप स्टेयर्स पे, यानी ऊपर वाले फ्लोर पे है। तभी ये बोलता है कि मिस्टर जाओ मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रही है करके, और ये जो मेरा पहली बार है किसी से प्रोफेशनली एक्टिंग कोच से मिलने का, ये मेरी पहली बार ऐसा है। तो और तभी जो मिस्टर झाओ होते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो ऑलरेडी स्पेस ट्रैवल में काम कर चुके हो मिस्टर यी, तो आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। और मिस जैंग जो है वो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पसंद करती है। तो यी उनकी बात को ध्यान से सुनता है। और फिर वो तब ये बोलते हैं कि जो बहुत ही नए फेस आते हैं हमारी कंपनी में, उनको जो है ये चांस मिलता है कि वो मिस जैंग के अंडर में किसी चीज़ को लर्न कर सके। और वो जो है सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाती है, और उनका जो पोटेंशियल है सिखाने का वो भी बहुत अच्छा है। कोई और स्टूडेंट्स इतना एक्सपीरियंस जो वर्किंग जो है इंटरनेशनल इंडस्ट्री में, जो फेमस डायरेक्टर हो या कुछ भी हो, उन्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती मिस जैंग के साथ। और तभी ये पूछता है कि वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं। तो मिस्टर झाओ बोलते हैं हाँ वहाँ और भी स्टूडेंट हैं, और सब एक्सलेंट पीपल हैं तुम्हारी तरह, और वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ही यहाँ आए हैं, और तुम जो हमारे कंपनी के फ्यूचर स्टार हो करके। तभी ये बोलता है अरे आप मुझे बहुत ही ज़्यादा तारीफ करके फ्लैटर कर रहे हैं, और यदि मैं कुछ लर्न कर सकूं उन लोगों से तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और तो वो ये बोलता है कि ठीक है फिर मैं उन लोगों के साथ क्लास में होऊंगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। तभी ये दोनों जो हैं अभी भी लिफ्ट के अंदर ही हैं, और फिर दिखाते हैं कि मल्टीपर्पज़ उनका क्लासरूम जो है वहाँ पर जो मिस्टर लिन होते हैं वो इनकी जो ट्रेनर है उनसे बात कर रहे होते हैं। और तभी एक लड़का बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों है, और क्या वो हमें अपने अंडर में लेना चाहता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि हो सकता है उस आदमी के पास पहले से ही कोई और हो, मतलब ये सारे जो लोग हैं वो मिस्टर लिन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि भैया इतना बड़ा आदमी आया है तो क्यों आया है। तो एक लड़की बोलती है कि चूंकि ये आदमी जो है मिस्टर लिन जो है वो मिस जैंग से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मिस जैंग ने पहले से ही कुछ प्रोग्रेस कर ली हो और वो उन्हें यहाँ पर कुछ बताना चाह रही हो, और फिर ये जो मिस्टर लिन है हमें उनमें से कोई एक को ये चुन लें जो उनको ठीक लगे। तभी लड़की बोलती है लेकिन मैंने तो कोई भी मेकअप नहीं किया है आज, तो कैसे कोई मेरे को मतलब पसंद करेगा किसी रोल के लिए। और तभी मिस्टर लिन जिस लेडी से बात करते हैं, ट्रेनर से बात करते हैं, मिस जैंग से, वो बोलती है कि मुझे तुम सही सही बताओ क्या जिस आदमी की ट्रेनिंग के लिए तुम मेरे को मतलब हायर करना चाहते हो उसे कोई एक्सपीरियंस है क्या, क्या उसने पहले कभी कुछ किया है, क्या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और उसका जो एक्टिंग स्किल है वो कैसा है। तो मिस्टर लिन बताते हैं कि यी के बारे में बात हो रही है कि उस इंसान ने एक सपोर्टिंग रोल से शुरू किया था, और ये जो अभी सीरीज़ आई थी स्पेस ट्रैवल उसमें उसका सपोर्टिंग रोल था, और उसने पहले भी कई वेब ड्रामास में काम किया है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही ग्रेट और पोटेंशियल वाली है, और वो जो है बहुत इजी गोइंग भी है। और फिर उसके बाद वो आखिरी में बोलता है लेकिन जो उसकी एक्टिंग स्किल है उसके लिए बेचारा थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ ये समझ में नहीं आता उसको, क्योंकि सभी जानते हैं कि यी का एक्टिंग इतना भी अच्छा नहीं है। फिर भी
वो ई को अपने दिमाग में याद करते हुए बोलता है कि ई जो है, मतलब वो जो आदमी है जिसकी ट्रेनिंग के लिए आपको रखा गया है, वो थोड़ा इमोशनल एक्टर है। तो जो हमारी मिस जाएंगे ट्रेनर, वो बोलती है स्पेस ट्रैवल जो अभी शो आया था वो तो डायरेक्टर ली का प्रोजेक्ट था। तो हो सकता है कि उसने डायरेक्टर ली से ही डायरेक्ट लर्न किया हो, तो उसे मेरे क्लास में आने की क्या ज़रूरत है करके। तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि ये एक स्पेशल रोल है जिसके लिए हम आपके पास आए हैं करके, कि आप उसको गाइड करें। और ये जो है एआई जैसा रोल है, और क्या है कि ये जो है उसको बहुत, इसके पास कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन से डील करने वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा है। और जो है इसने जितने भी अभी तक रोल्स किए हैं वो सेम टाइप के रोल किए हैं, तो इसको जो है बेसिकली थोड़ा बेसिक से सीखने की ज़रूरत है। तो मिस जैंग जो होती है बोलती है ठीक है मैं समझ गई, तो चूँकि तुमने उसको चुना है तो उस आदमी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशल बात तो होगी करके, तो ठीक है मैं उसके एक्टिंग स्किल्स को आज देखूंगी करके। और तभी वो ऐसा निर्णय लेती है कि यदि वो ब्लॉकबस्टर है, मतलब वो इतना फेमस हो रहा है, और तो मैं उसे एक चांस दूंगी अपने आप को दिखाने का, मतलब। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी एरोगेंट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टर लिन सोचते हैं अपने अंदर कि भाई रुको, कि अपने मन में सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है करके। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और मिसेस जैंग जो है, मिस जैंग जो उनकी लीडर है अभी सिखाने के लिए, वो बोलती है कि आप अंदर आइए। और तभी ये दोनों अंदर आते हैं और इनको बोलते हैं कि मिस्टर लिन, मिस जैंग, हम लोग आ गए हैं करके। और तभी बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं कि अंदर आओ और बैठो। तभी जो हमारी ट्रेनर है वो बोलती है कि आप यू यून ही हैं राइट, और मैं जो हूँ मेरा नाम झैंग है करके, और लेकिन तुम मुझे जो है मिस झैंग बुला सकते हो, तो मेरे एक्टिंग क्लासेस में आने के लिए वेलकम। तभी जो है बहुत हम्बल तरीके से बोलता है ठीक है आपसे मिलके मुझे भी खुशी हुई मिस झैंग, और उससे हाथ मिलाता है। और तभी ये लोग बात करते हैं हेलो मिस्टर लेन, आपको देख के मुझे खुशी हुई करके। तो मिस्टर लेन बोलते हैं कि आज जो है मिस जैंग जो है तुम्हारी ये बनेंगी, मतलब एक्टिंग टीचर बनेंगी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और लेकिन कोई भी तुम्हारे क्लास में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बोलता है ओके, और ये अभी भी नर्वस हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या होगा। तभी वहाँ पर जो ग्रुप में लोग बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये आदमी कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, क्या ये न्यू कमर है, और मैंने जब इवैल्यूएशन हुआ था तब भी इसे नहीं देखा था, तो हो सकता है ये कोई रुकी हो, मतलब नया आदमी हो जिसे कुछ आता जाता ना हो। और ये जो है मिस जैंग की क्लास में आया है बिकॉज़ इसने जो है अपना टेस्ट वगैरह 1 मंथ पहले ही, लास्ट मंथ जो था उसने पास कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो दूसरा आदमी बोलता है कि तो फिर ये कैसे इस क्लास में आया, यदि इसे किसी ने भी मतलब कभी देखा नहीं है तो। तो तीसरा आदमी बोलता है कि हो सकता है ये एक स्पेशल केस हो, और हो सकता है ये बहुत ही बड़ा स्टार हो करके वो लड़की बोलती है। तभी वहाँ दिखाते हैं कि लड़की बोल रही है एक्सियन रैन जो है कि उसने भी एडमिट किया था कि कोई भी ऑफिशियल इवैल्यूएशन के बिना मतलब अंदर नहीं आ सकता है। तो हमारी टीचर बोलती है कि ऑल राइट, अब बहुत सारा चिट चैट हो गया है, अब हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो हमारी जो टीचर होती है वो बोलती है कि ये यूयिन है और ये हमारे साथ यहाँ पर क्लास में पढ़ाई करेगा आज से, और इसे जो है एक्सपीरियंस है एक्टर होने का, तो तुम लोग सब एक दूसरे मिलके इसके साथ अपने शेयर कर सकते हो जो भी तुम्हारा नॉलेज है करके, और एक दूसरे के साथ तुम लर्न भी कर सकते हो। तो ये जैसा है उसका जवाब, वो बोलता है कि आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तभी मिस जैंग बोलती है, यानी हमारी टीचर बोलती है
कि हम क्यों ना यहाँ यून को एक क्विक इम्प्रोविजन दें और वो हमें बताए कि मतलब उसने पहले कैसे एक्टिंग वगैरह किया है करके। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अभी हमारा सीईओ चूंकि पिछले एपिसोड में गया था मिस्टर ही के मेंशन में, तो वहाँ का एपिसोड दिखाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि ये जो है ही स्टेट है करके। एंड मिसेस ही जो है कि उन्होंने कहा कि ये उनके पेरेंट्स का घर है, तो इसका मतलब ये है कि शायद ही जो है वो इन्हीं लोगों से रिलेटेड है। तो अब हस्बैंड वाइफ बोल रहे होते हैं कि यदि फैंग तुम बिज़ी नहीं हो तो तुम हमारे साथ एक कप चाय पी के जाओ। तो सेम चीज़ मिस्टर ही भी बोलते हैं कि यदि तुम बिज़ी नहीं हो तो हमारे साथ आओ और हम लोगों को चाय पीने में ज्वाइन करो। तो जो फैंग होता है बोलता है ठीक है। और तभी वहाँ से आवाज़ आती है अंदर से कि स्वीटहार्ट तुम आ गए घर के और कम इन करते हैं। वो बोलते हैं कि घर आओ, मतलब अब मिस्टर ही और मिसेस ही उन लोगों को वेलकम कर रहे हैं। और तभी जो मिस्टर ही होते हैं वो मिस्टर ही और मिसेस ही को बोलते हैं मॉम डैड देखो हम हमारे साथ में रूरू को लेके आए हैं। तो सब लोग रूरू की तरफ देखते हैं और जो मिसेस ही होती है वो बोलती है देखो उधर देखो। तो रूरू बोलता है क्या देखो मतलब, और फिर वो बताते हैं कि ये जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैनी हैं और ये जो ग्रेट ग्रैनी है वो ब्यूटी की मम्मी है, यानी कि गी की मम्मी की मम्मी है। और फिर वो इंट्रोड्यूस कराती है कि ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो मेरे ब्यूटी के डैडी हैं। मतलब मिसेस ई को रूरू ब्यूटी बुलाता है तो ये उनके ग्रैंडपा हैं करके। तो रूरू अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो दोनों इंसान हैं वो ब्यूटी एंड हैंडसम की फैमिली के हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं और ये जो हैं वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो हैं यी और मेरे भी रिलेटिव्स हैं। तो मिस्टर यी बोलते हैं कि रूरू अपने ग्रेट ग्रैंडपा और ग्रेट ग्रैंडमा को हेलो बोलो। तो जो रूरू होता है वो तो एज यूजुअल काफ़ी क्यूट सा होता है और हैप्पी गोइंग बच्चा है, तो वो इन दोनों को ग्रीट करता है ये कह के हेलो ग्रैंडमा ग्रैंडपा करके। अब जो हमारा सी होता है उसे तो आज शौक ही लगा है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि ही जो है वो इतनी बड़ी और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो अपने मन में बोलता है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, आखिरकार हो क्या रहा है। तभी मिसेस ही जो होती हैं वो बोलती है अरे ये कितना क्यूट किड है और ये तो इसको स्ट्रेंजर्स से भी बिल्कुल डर नहीं लगता, ये बहुत ही क्यूट है करके। तो मिस्टर ही बोलते हैं क्या मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ, मतलब वो रूरू को गोदी में लेना चाहते हैं। तो जो मिस्टर ही होते हैं वो बोलते हैं हाँ रूरू जो है बहुत ही स्वीटेस्ट बॉय है और ये जो है थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप थोड़ा अपना केयरफुल रहना इसको उठाते हुए। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि हाँ ये बड़ा है पर ये स्ट्रांग है करके। तो रूरू बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ स्ट्रांग रूरू इज़ स्ट्रांग, रूरू बहुत स्ट्रांग है। और तभी जो इनके वो होते मिस्टर ही होते वो बोलते हैं तुमको कुछ भी नहीं पता है। और तभी रूरू बोलता है हाँ तुमको भी कुछ नहीं पता है। तो बेसिकली मिस्टर ही जो है वो मिसेस ही और मिस्टर ही को थोड़ा सा डांट डपट देते हैं कि बच्चा इतना स्ट्रांग है और तुम कह रहे हो कि बच्चा जो है बड़ा हो गया और भारी है करके। तभी मिसेस ही बोलती हैं कि रूरू चलो अंदर चलते हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे यमी स्नैक्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं। तो रूरू तो खाने का नाम सुनते से ही एकदम पागल सा हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। तो बोलता है क्या तुमने सच में मेरे लिए मतलब ऐसा कुछ बनाया है। तो रूरू के दिमाग में एक ही बात होती है स्नैक्स स्नैक्स। तब मिसेस ही पलट के देखती है, तब उन्हें याद आता है कि वो लोग अकेले नहीं है, उनके साथ सीईओ भी है। तो वो बोलती हैं कम ऑन फैंग अंदर आओ। तभी
मिसेस ये बताती हैं कि मॉम डैड मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि ये जो यंग मैन है इसका नाम फैंग है। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं बीच में से कि ये यू यून का बॉयफ्रेंड कहना चाहते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि सिर्फ फ्रेंड है और ये यी का फ्रेंड है करके। तो मिसेस ई भी कवर करती है कि हाँ हाँ सिर्फ फ्रेंड है करके, और यी का फ्रेंड यानी दे आर बेस्ट फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो सीईओ जो होता है वो बोलता है मिस्टर एंड मिसेस ही हेलो, आप लोगों को मिलकर खुशी हुई करके। तो जो मिस्टर ही होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले भी इसे देखा है करके। और तभी मिसेस ही बोलती हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, और लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें ऐसा लग रहा है। तो सीईओ जैसे ही कुछ बताने चाहता है उतने में ग्रैंडफादर बोलते हैं अरे हाँ मुझे याद आया कि तुम हमको विश करने आए थे क्वीन के साथ, और जो उसके ग्रैंडफादर हैं उसने तुम्हारे बारे में भी मेंशन किया था करके। और तभी कोई बोलता है कि ये क्वीन का फियांस है करके। तो मिसेज ई और मिस्टर ई को एक शौक सा लगता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक रूम के अंदर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, यानी हमारे ई जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे हमें चीज़ों के ऊपर बार्गेन करना है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में जा कैसे हम लोगों के यहाँ जाते हैं सब्ज़ी बाज़ार वगैरह और हम वहाँ बार्गेनिंग करते हैं, वैसे ही वो भी यहाँ पर बार्गेनिंग सीख रहा है। तो वो पूछता है भाई ये कितने का है, तो वो बोलता है 6.4 का है। तो बोलता है ठीक है डील, मैं इसको 1 किलो लूँगा करके। अब ये जो है देखता है और वहाँ पर मिस जैंग जो होती है वो भी देखती है, और मिस जैंग बोलती है हाँ ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, और मुझे लगता है कि इसका जो एक्टिंग स्किल है बहुत ही केयरफुली इसने अपना मतलब सब कुछ सीखा है, और ओवरऑल इसको थोड़ा बहुत रियल लाइफ का नॉलेज हो रहा है करके। तो सब लोग फुसफुस करके बात करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तो कुछ स्पेशल नहीं था। तो मिस जैंग जो है वो इतनी जेंटल क्यों हो के बात कर रही है, और तभी लड़की बोलती है कि हो सकता है मिस्टर लिन यहाँ है इसलिए वो इतना जेंटली बात कर रही है। और तभी जो लड़का होता है एक दूसरा लड़का वो बोलता है कि हाँ इसका तो फेस जो है बहुत ही प्रीटी है, और मुझे लगा था कि ये कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी होगा करके। तो अब दिखाते हैं कि मिस जेंग बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है हमें दिखाने के लिए कुछ अलग सा। तो ये बोलता है हाँ श्योर। तो मिस जेंग बोलती है ठीक है तुम्हारे पास 2 मिनट है करेक्टर के अंदर जाने के लिए। मतलब मिस जैंग सोच रही है कि वो कुछ करेक्टर में मतलब एक करेक्टर कोई बनाएगा और फिर वो उसका एक्टिंग करेगा, तो वो उसको 2 मिनट देती है। तो ये जो होता है बोलता है ठीक है, और वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने मन में। तो वो बोलता है कि अपने मन में सोचता है कि मुझे क्या जो मैंने अभी पिछला सीरीज़ किया था स्पेस ट्रेवल उसमें से कुछ लाइनें बोलनी चाहिए, क्योंकि मुझे पहले से ही वो लाइनें याद भी है और मैं उन्हें सेफली प्ले भी कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। और वो सोचता है कि मुझे जो है अभी बहुत कुछ लर्न करना है रियल लाइफ को देख के, और जो जिन याओ है और उसने भी मुझे बहुत फ्रेज किया था, मतलब मेरी तारीफ़ की थी, मतलब हमारे सीईओ ने ही की तारीफ़ की थी कि तुम बुरा नहीं कर रहे हो और तुम जो प्रैक्टिस और करोगे तो तुम एकदम अच्छे आ जाओगे। तो ये सोचता है कि मुझे शायद उसकी बात पे और उसकी ओपिनियन पे ट्रस्ट करना चाहिए और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये बोलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, और तभी मिस जैंग बोलती है ठीक है तुम चालू करो। तो दिखाते हैं कि वो बोल रहा है जैक तुम जरा रुको करके डोंट डाई मरो मत। ये एक सीन को कोई वो प्ले कर रहा है, तो ना क्या होता है जितने भी लोग वहाँ खड़े होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे उनके कान फट गए हैं, और इवन वो जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनको भी ऐसे ही लगता है करके। और ये जो होता है वो अपनी एक्टिंग में ही बिजी हो जाता है कि जैक जैक तुमको मरना नहीं है करके डोंट डाई करके। जो ये होता है वो अपना परफॉर्मेंस देता है
और अपने मन में सोचता है कि तुम लोग को कैसा लगा, और बोलता है कि मेरा हो गया करके। तो मिस जैंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें देख के लगता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो आँख है वो बहुत फड़क रही है, और ज़रूर कुछ होने वाला है बड़ा सा करके। और फिर मिसेस जैंग अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट चैलेंज है मेरे टीचिंग कैरियर में, कि मुझे बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ेगा और ये मैं कर सकती हूँ। मतलब जो मिसेस जैंग है उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि वो अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो किसी के ऊपर फट ना जाए करके। और तभी मिस्टर लिन साइड से बोलते हैं, हाँ जो ये है वो तो एकदम डायमंड की तरह है। तो फिर बोलते हैं कि अब ये जो है तुम्हारा है और अब तुम्हें इसको पॉलिश करना है, मतलब अब ये तुम्हारे अंडर में और अब तुम्हें इसे सिखा सुखू के एकदम अच्छा सा बनाना है, और हम तुम्हारी इस हेल्प को अप्रिशिएट करेंगे। अब जो मिसेस जैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं इस आदमी को जो है फ्यूचर में अपना कैरियर बर्बाद नहीं करने दूंगी, और इसको मैं फेमस करके ही छोड़ूंगी। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिसेस ही जो है ग्रैनी वो बोलती है ये ट्राई करो, मिस्टर ही बोलते हैं ये ट्राई करो, ये थोड़ा लो वो थोड़ा लो। दोनों ही बूढ़े कपल्स जो हैं दादा दादी, वो रूरू को कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये भी खा ले वो भी खा ले। और फिर जो दादी है वो पूछती है, क्या तुम्हें ये कोई ये वाला स्वीट चाहिए क्या, मैं तुम्हारे लिए इसको अनरैप करती हूँ। और तभी दादा बोलते हैं कि हाउ अबाउट दिस स्वीट, क्या तुम ये खाना चाहोगे। तो दादी बोलती है दादा से कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ आज, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब अपने ग्रेट ग्रैंडसन को अपनी गोदी में लूँगी, क्या ये सपना तो नहीं है जो कि मैं आज रूरू को देख रही हूँ, क्या वाकई में हमारा एक ग्रेट ग्रैंडसन है। एक काम करो, तुम जल्दी से मुझे पिंच करो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है। और तभी वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि हमें इस क्यूटी पाई को थोड़े दिन के लिए अपने पास रखना चाहिए, और उधर पे दादाजी सोच रहे होते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना क्यूट है। तो मिस्टर फैंग यानी हमारे सीईओ और यी के माता पिता और एक दूसरे को देख रहे होते कि ये क्या ही चल रहा है। और मिसेस यी बोलती हैं कि फैंग, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, हमें तो लगा था कि तुम यी के साथ रिलेशन में हो, तो तुम्हारे पास एक फियांस क्यों है। और तब जब तुम यी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है तो तुम्हारे पास फियांस नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर यी बोलते हैं कि हाँ फैंग, तुम हमें एक्सप्लेन करो कि सच्ची बात क्या है। तो सीईओ अपने मन में सोचता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इस रूम का, ये बहुत ही ऑकवर्ड होता जा रहा है। तभी मिस्टर यी बोलते हैं कि तुमने किसी टाइप का मिस्टेक किया है, लेकिन हम सॉरी बोलते हैं, हमें पता नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यी से मिलना बंद कर दो और अपना रिलेशनशिप को यहीं पे एंड कर दो। तो सीईओ एकदम से पैनिक करने लगता है और बोलता है नहीं नहीं रुकिए, आप जो सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है, जो क्वीन है और मैं, क्वीन और मैं जो हैं वो फ्रेंड्स हैं। मिस्टर एंड मिसेस यी, आप लोगों को कोई रॉन्ग आइडिया अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस यी जो है वो इस वक्त गुस्से में हैं। तो फिर सीईओ बताता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो चाहते थे कि हमारी शादी हो, पर हम लोग एक दूसरे के लिए मतलब बने नहीं, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है करके। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, और हम लोग जो चाहें वो अपने अपने रिलेशनशिप में कर सकते हैं करके। और मैंने अपना जो पोजीशन है वो क्वीन को क्लियर भी कर दिया है, और मेरे और क्वीन के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और लेकिन अभी तक हमने अपने फैमिली वालों को बताया नहीं है कि हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एश्योरिटी देता हूँ कि मिस क्वीन जो है वो मेरी सिर्फ दोस्ती है। तो मिसिज़ ही थोड़ा समझती है और बोलती है अच्छा,
फिर मिस्टर एंड मिसेस जी को हमारे सीईओ बोलते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही विश है कि मैं उसी इंसान के साथ रहूं जिसे मैं ट्रूली प्यार करता हूं, यानी सच्चा वाला प्यार, और साथ में मैं अपनी जो खुशी है मैं अपने आप को किसी के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने फैमिली के बेनिफिट और इंटरेस्ट के लिए अपना प्यार नहीं छोड़ूंगा और किसी को भी मैं अपने आप को फोर्स नहीं करने दूंगा कि मैं किसी और की मर्ज़ी से या फैमिली बिजनेस के लिए, अब सिर्फ मतलब पॉलिटिकल टाइप्स जो मैरिज होती है वो नहीं करने दूंगा मैं, और ना ही मैं किसी और के साथ एग्री करूंगा। तो ये बात सुन कर मिस्टर ई और मिसेस जी को बहुत अच्छा लगता है और वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी मिसेस जी बोलती है कि जो फैंग है उसकी बातें सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, प्रोफेसर ई यानी हमारे मिसेस जी के हस्बैंड। और तभी मिसेस जी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब आप किसी को ट्रूली प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, आप किसी भी टाइप का उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और फिर आप उसके साथ ऐसे ही रहने लगते हैं बिना किसी मोटिव के, सेल्फिश मोटिव के, और आप बस उसमें अपने आप को डिवोट कर देते हैं। तो मिस्टर ही बोलते हैं तभी तो हम खुश हैं क्योंकि हम दोनों अब सेल्फिश नहीं हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं करके। तो ये दोनों जो कपल हैं मिस्टर एंड मिसेस ई, वो अपने मन में सोचते हैं कि कितना अच्छा लड़का है, इसके विचार कितने अच्छे हैं। और तभी सीईओ बोलता है कि आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, और वो बताता है कि मैं और जो ई हैं हम लोगों ने अपना रिलेशनशिप जो है अभी तक ऑफिशियली मतलब किसी को बताया नहीं और ना ही एक्सेप्ट किया है, और मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ कि मैं अपना प्यार ई से कन्फेस कर सकूँ, और मैं उसे ये भी नहीं बता सकता कि मुझे कैसा फील होता है। तो मिस्टर ई और मिसेस ई जो है वो बेचारे एकदम से गुमसुम से हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता आखिरकार ये आदमी बोल क्या आ रहा है। तो मिसेस ई बोलती हैं कि लेकिन तुम लोग तो साथ में रह रहे थे ना। तो सीईओ बोलता है हाँ हम लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि रूरू, जैसे ही वो रूरू के बारे में बात करता है उसकी बात यहाँ पर काट दी जाती है, और ग्रैंडफादर जो है वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या कहा कि तुम लोग साथ में रह रहे थे क्योंकि रूरू की वजह से। तो मिसेस ही तुरंत बोलती है नहीं नहीं हम में से किसी ने ऐसा नहीं कहा। तभी मिसेस ही आती हैं यानी ग्रैनी आती हैं और बोलती है हनी आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरी एक तुमसे विनती है। तो सब लोग सुनते हैं भाई कि क्या बोलना चाह रही है बूढ़ी औरत। तो जो ग्रैनी है वो बोलती है कि क्या तुम रूरू को कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ सकते हो, हम प्रॉमिस करते हैं कि उसको जो भी चाहिए या जो भी कुछ खाना है हम सब उसको देंगे और उसकी बहुत अच्छी देखभाल करेंगे। तो मिस्टर ही यानी ग्रैंडफादर बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। तो मिसेस ही बोलती है कि हमें रूरू से पूछने की ज़रूरत है, प्लस जो फैंग है वो रूरू को बहुत समय से देख रेख कर रहा है तो हमें उससे भी पूछने की ज़रूरत है, और जो रूरू है वो फैंग को बहुत ही प्यार करता है तो मुझे डर है कि हो सकता है भाई वो ना जाना चाहे करके। तो ग्रैंडपा बोलते कि तुम देखो कितना खुश है वो यहाँ पर, ग्रैनी बोलती हाँ देखो वो कितना खुश है। अब जब सब देखते हैं तो वाकई में रूरू बड़ा हैप्पी नज़र आ रहा है क्योंकि उसको तो उसकी सारी जो फेवरेट चीज़ें खाने मिल रही है, उसका डकी वाला स्नैक, एकदम वो कंफर्ट जोन में होके अपना जो स्नैक है वो खा रहा होता है। अब जो मिस्टर और मिसेस ई हैं वो भी ये देखते हैं और सीईओ भी ये देखता है और बेचारों के माथे पे पसीना आ जाता है। और तो अब हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं कि फैंग तुम यून के गुड फ्रेंड हो पर तुम अभी भी आउटसाइडर है, तो हमें ना तुमको तकलीफ नहीं देना चाहिए, मतलब इनका कहने का मतलब है कि रूरू को ये रख लेंगे और ये इनको तकलीफ़ नहीं देंगे, सीईओ को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए क्योंकि अब उनके घर वालों को सब मिल गया है तो वो काहे के लिए अपना बच्चा इसके पास देंगे। तो सीईओ जैसे ही सुनता है कि उसको आउटसाइडर बुलाया जा रहा है उसे एक जोर का झटका लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे तो खूनों की उल्टी हो जाएगी करके। तभी क्या होता है कि रूरू भी अब थोड़ा सा ध्यान देता है कि भाई उसके आसपास क्या चल रहा है और सोचने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम जो हमारे ग्रेट ग्रैंडसन हैं यानी रूरू, आज से हम उसका ध्यान रखेंगे।
और तभी मिस्टर ही बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि जो यंग पीपल हैं उनको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, यानी कि वो इनडायरेक्टली सीईओ को बोल रहे हैं कि भैया तुम जाओ और अपने कैरियर वैरियर पे फोकस करो, इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो, और जब तुम बिजी नहीं हो तब तुम आके रूरू को मिल सकते हो, लेकिन रूरू को तुम अपने साथ ले नहीं जा सकते हो। तो सीईओ अपने मन में सोचता है कि या क्या ये ग्रैंडपा ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ कर। अब क्या होता है, रात हो जाती है, लेकिन वहाँ पर अभी भी रूरू के काउंटिंग्स बंद नहीं होते। अब रूरू देखने लगता है कि उसे क्या क्या सामान मिला है, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक और 5 स्नैक्स। ऐसा करके रूरू ने पूरे 5 पैकेट सीईओ से खरीदवाए होते हैं और बहुत ही खुश हो रहा होता है, लेकिन सीईओ का तो आज दम ही बाहर हो जाता है और वो घर में एकदम मरी हुई मछली की तरह लेटा होता है। और जो हमारा रूरू है वो एकदम एनर्जेटिक होता है क्योंकि आज सब उसके मनपसंद सामान उसको सीईओ ने दिलाया होता है, और सीईओ अपने मन में सोचता है कि हे भगवान आज कैसा दिन था, और रूरू अपने मन में सोचता है कि हाँ भाई सही बात है, मेरे को तो 5 पैकेट मिले हैं और जो उसमें से चॉकलेट है, डकी कुकीज़ हैं और 5 पैक्स, और वो वापस एक बार काउंट करता है, बोलता है हाँ राइट, सारे के सारे 5ों पैकेट है मेरे पास। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और पता चलता है कि यी जो है वो वापस आ गया है। जैसे ही रूरू देखता है कि यी आ गया है तो रूरू फट से यी को बताता है कि ये सब कुछ मेरा है, मतलब ये जो 5ों पैकेट वाले स्नैक्स हैं वो सब उसके हैं। तो यी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार आज कौन सा दिन है जो इसको इतने सारे स्नैक्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि सीईओ तो कभी ऐसे स्नैक्स नहीं दिलाता है इतने सारे। तो रूरू जो है वो बहुत हैप्पी है और बताता है ये सब मेरे हैं। तो यही बोलता है सीईओ क्योंकि भाई तुमने इसको इतने सारे स्नैक्स क्यों दिलाए हैं, और तो ये रूरू के हाथ से पैकेट लेता है और बोलता है ये तो 5 है और अभी तुम ग्रोइंग बॉय हो, यानी ग्रो कर रहे हो, तो तुम ये जो है ये नहीं खा सकते हो इतना, तुम्हें मील्स खाने की ज़रूरत है, यानी प्रॉपर फूड खाने की ज़रूरत है, और ये बहुत सारे स्नैक्स हैं, तो ये तुम ऐसे इतने सारे स्नैक्स एक बार में नहीं खा सकते हो, नहीं तो जो है तुम हाइट में टॉल नहीं होगे और इस तरह का जंक फूड खाओगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तभी सीईओ धीरे से बोलता है कि यदि मैं ये सब नहीं खरीदता तो शायद आज तो मैंने रूरू को खो ही दिया होता। तभी ये देखता है कि सीईओ ऐसे पड़ा हुआ है तो वो पूछता भाई कि तुम फ्लोर के ऊपर क्यों पड़े हुए हो, क्या तुम्हें थकान फील हो रही है। और तभी वो पूछता है कि हाँ तुम तो आज मेरे माता पिता से मिलने गए थे तो वो कैसे हैं। तो सीईओ बोलता है कि वो लोग फाइन हैं और वो लोग सिर्फ रूरू को मिलना चाहते थे क्योंकि वो रूरू को मिस कर रहे थे, और मेरे पास आज कुछ खास काम नहीं था तो मैंने सारा दिन उन लोगों के साथ बिताया। ये कहते कहते सीईओ अपनी गर्दन वर्दन को मोड़ तोड़ रहा होता है क्योंकि उसके तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो ये बोलता है कि तुम बहुत एग्जॉस्ट हो गए होगे तो आओ मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ तो तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे करके। अब ये जो है सीईओ को कंधे पे हाथ रख के उसको मसाज दे रहा होता है, लेकिन हमारा रूरू तो अभी भी स्नैक्स पैकेट्स में ही लगा होता है, उसका ध्यान तो बस अपने स्नैक्स पे ही है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। और तभी हमारा सीईओ बोलता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो जिससे कि मेरे कंधे अच्छे से दब जाए। तो ये पूछता है कि क्या ये थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा के इसको दबाता हूँ। तो दोनों शांति से अपना अपना करने लगते हैं। और तभी ये बोलता है कि हाँ तुम्हें मेरे पेरेंट्स के साथ डील करना पड़ा होगा और फिर रूरू को भी देखना पड़ा होगा, तो वाकई में तुम्हारे लिए जो था दिन काफ़ी लंबा था। तो सीओ बोलता है हाँ तुम सही कर रहे हो, और अपने मन में सोचता है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं था, इससे भी ज़्यादा था, क्योंकि अभी तक सीईओ ने बताया नहीं ना कि वो मिस्टर ही और मिसेस ही से भी मिला जो कि ही के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सीईओ कैसे अब घर पे याद कर रहा है कि उनके यहाँ गया था तो क्या हुआ था। तो फिर से वापस उसको याद आता है कि कैसे ग्रैंडपा ने बोला था कि तुमको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए और जब तुम फ्री हो तब तुमको यहाँ आके रूरू को कभी भी मिलना चाहिए, और उसको कैसा लगा था कि शायद ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि वो यहाँ से चला जाए।
और तभी सीईओ उस वक्त सोचता है कि मैं कैसे रूरू को यहाँ छोड़ के जा सकता, यदि मैं रूरू को यहाँ छोड़ के जाऊँगा तो मैं यी को क्या जवाब दूंगा जब वो घर आएगा। और यदि लिंग वाई और क्या कहते हैं, यदि लिंग उसको फिर याद आता है कैसे उसने यी के साथ बात की थी कार में जब वो लोग पहली बार वो पार्टी में मिले थे, तो उसको याद आता है कि लिंग वाई और का फ्रेंड यी कैसे बना था, और मिस्टर एंड मिसेस कितना मिसेस ही कितना यी का उस दिन केयर कर रहे थे। और तभी यी ने उससे पूछा था कि तुम्हें लगता है क्या कि मेरे मॉम डैड का कोई कनेक्शन यी फैमिली के साथ होगा। तभी हमारा सीईओ सोचता है कि वाकई में शायद यी को बिल्कुल नहीं पता है कि उसकी जो फैमिली है वो कितनी बड़ी है और उसका रिलेशनशिप मिस्टर यी और मिसेस यी के साथ क्या है। और अपने मन में सोचता है कि यदि इस तरह का केस है तो लिंग वाई जो है वो सिर्फ यी की कज़न है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब उसे लगता है कि तभी ये ऐसी सिचुएशन है कि सब लोग यी को वहाँ पर देखना चाहते थे। फिर उसे याद आता है कि कैसे मिसेज यी ने बोला था कि डैड पैंग जो है वो रूरू को यहाँ लेके आया है, और उसने हमें अभी भी उसको थैंक यू बोलना बाकी है। और इसके अलावा और पैंग के पास आज ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए हमने उसे यहाँ इनवाइट किया। तो मिस्टर यी बोलते हैं हाँ डैड ऐसे ही था। तो ग्रैंडफादर तो बस ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडपा तुरंत मुंह बनाते हैं, एक आंख अपनी ऊपर भौं चढ़ाते हैं और मिस्टर यी को देखते हैं, क्योंकि अभी भी मिस्टर यी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, आफ्टर ऑल वो उनकी बेटी को लेके भाग गया था। तो मिसेस यी बोलती है अपने हस्बैंड को, मतलब ये ग्रैंडपा को, कि हनी आप बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, आज हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं, तो हमारी ऐसा तुम बिहेव करोगे तो हमारी डॉटर भी तो एम्बेरस होगी ना, और बेबी जो है यानी रूरू वो हमारे जस्ट बाजू में ही है, और तो तुम अपना टेम्पर जो है उसको वॉच आउट करो, नहीं तो तुमसे यही सीखेगा ना, जैसा तुम करोगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। तो ये जो मिस्टर ही होते हैं वो बड़े दुखी मन से फिर भी अपनी वाइफ की बात सुनते हैं और तैयार हो जाते हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ यहाँ थोड़ी देर के लिए रह सकते हो। ऐसे करके सीईओ को परमिशन मिलती है उनके यहाँ पर थोड़ी देर बैठने की। और तभी ग्रैनी जो है वो बोलती है कि रूनू तुमको ये वाले स्नैक पसंद है क्या, ग्रेट ग्रैंडमा और ग्रेट ग्रैंडपा हमने तुम्हारे लिए पूरा सेट खरीदा है इस स्नैक्स का, एकदम सारा बंच खरीदा है। तो फिर क्या था, रूनू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम चमक उठती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अगेन रूरू तो खाना खाने के पीछे पागल है। तो दादाजी जो हैं वो ब्राइब देते हैं रूरू को कि रूरू यदि तुम हमारे साथ यहाँ कुछ दिन रहोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। तो रूरू और खुश हो जाता है, सोचता है ये सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी, तो वो फिर से एक बार कंफर्म करता है क्या कि वाकई में सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी। अब सीईओ ये चीज़ देखता है और सीईओ को तो मानो झटका ही लग जाता है, उसे लगता है ये तो गलत ही डायरेक्शन में बात जा रही है, तो वो बोलता है नॉट गुड नॉट गुड। और अपने मन में सोचता है कि मिस्टर ही ने रूरू की जो वीकनेस है उसको पकड़ लिया है। अब रूरू की वीकनेस क्या है, रूरू की वीकनेस खाना है, जहाँ अच्छा खाना दिखता है रूरू वहीं पे लौट जाता है। तो जो दादा होते हैं वो पूछते हैं कि तो क्या तुम हमारे साथ यहाँ कुछ दिन रहना चाहोगे, तो ग्रैनी भी बोलती है हाँ क्या तुम वाकई में कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहोगे। अब रूरू सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, आखिरकार उसको इतने सारे स्नैक्स अभी दिए गए हैं और बहुत सारे स्नैक्स उन्होंने लाके भी रखे हैं, इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे वो छोड़ दे। तो मिसेस यी जो है वो कुछ बोलना चाहती है, तभी मिस्टर यी जो होते हैं वो अपनी वाइफ के हाथ पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि देखो जो रूरू है उसको डिसाइड करने दो कि वो आखिरकार चाहता क्या है। तो मिसेस यी जो है बेचारी क्या कहती, तो वो चुपचाप देखने लगती है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं यानी ब्यूटी एंड हैंडसम वो दोनों रूरू को देखने लगते हैं। अब रूरू की नज़र जाती है सीईओ पे और सीईओ और रूरू के बीच में इशारों इशारों में बात चालू हो जाती है। सीईओ उसको इशारे में बोलता है कि भैया जो ऑफ़र तुमको अभी ये तुम्हारे ग्रैंड पा और ग्रैनी दे रहे हैं उसका डबल ऑफ़र मैं दूंगा। तो रूरू के दिमाग के तार एकदम हिल जाते हैं और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपने दोनों हाथ से दिखाता है 5 पैक्स, यानी उसे 5 पैकेट चाहिए।
और बहुत ही खुश हो रहा होता है कि 5 पैकेट मिलेगा। तो सीईओ बोलता है ठीक है इसको मैं ट्रिपल कर देता हूँ, 5 पैकेट का ट्रिपल कर देता हूँ, लेकिन तुमको ई के साथ शेयर करना होगा। अभी भी ये बातें सब इशारों में ही और आँखों आँखों में चल रही है। तो जो रूरू है वो एकदम नहीं कह देता है, क्योंकि भैया ट्रिपल कर रहे हैं उसमें से आधा तो ई के साथ शेयर करना पड़ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो रूरू फिर से अपनी 5 उंगलियाँ दिखाता है, 1 2 3 4 5 और एग्जैक्ट 5 का निशान बनाता है और बोलता है 5 पैकेट से कम नहीं लूँगा, मेरे साथ किसी टाइप का गेम खेलने की कोशिश मत करो। और वो भी 5 पैकेट नहीं लूँगा, मतलब 5 जो हर स्नैक है उसका एक एक पैकेट 5 लूँगा, यानी 5 ऑफ ईच पैकेट लेगा वो, तो 5 5 पैक्स। अब क्योंकि हमारे रूरू को तो मैक्स में वीक है ना, तो उस इसीलिए वो ऐसे बोलता है कि हर चीज़ का 5 पैकेट लेगा वो। तो ग्रैनी पूछती है भाई क्या हुआ, क्योंकि रूरू के तो दोनों हाथ हवा में हैं, इशारों में बात चल रही है। तो रूरू फट से अपने हाथ आगे बढ़ाता और खुद को भी आगे बढ़ाता और दौड़ता हुआ सीईओ की गोद में जाके गिर जाता और बोलता है कि रूरू जो है वो फैंग फैंग के साथ वापस जाएगा, रूरू को यी के साथ रहना है और रूरू जो है वो यी को मिस कर रहा है करके, तो रूरू को यहाँ रहने का मन नहीं है। रूरू ये सारी कहानियाँ बनाता है और अपने दादा दादी को सुनाता है, क्योंकि उसको तो हर चीज़ का 5 पैकेट वाला ब्राइब मिल रहा है। तो फिर सीईओ सोचता है चलो इस तरह मैं अब इस बच्चे को घर ले जा पाऊँगा, लेकिन उधर दादाजी तो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनका ट्रिक फेल हो गया। और क्या है, सीईओ को वो एक बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और सीईओ को लगता है कि आज तो मेरे को दादाजी निपटा ही देंगे करके। अब सीईओ ये अपने मन में सोच रहा होता है पूरे दिनचर्या को और बोलता है कि ये जो तुम्हारी मॉम है वो एक्चुअली, और फिर आगे की बात वो नहीं बोलता। तो ये बोलता है कि क्या मेरी मॉम, तो सीईओ बोलता है कुछ नहीं, शायद ये ठीक होगा कि तुम आगे की स्टोरी अपने माँ बाप से ही मतलब सुनो करके। और वो पूछता है कि ठीक है तुम्हारी आज क्लास कैसे थी, तो ये बताता है कि मेरी क्लास अच्छी थी, मैंने बहुत कुछ आज पढ़ा है और मिसिस जैंग बहुत ही प्रोफेशनल है और वो हम अब क्लास में बहुत टैलेंटेड लोग भी आते हैं और लेकिन मुझे बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है करके, और आज मैंने इमेजिनेशन एंड एम्पैथी वाली क्लास में प्रोग्रेस की है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो सीईओ ना फट से रूरू को आगे रख देता और बोलता है आज नहीं है मुझे थोड़ा आज काम है करके, क्योंकि पिछली बार जो प्रैक्टिस की थी दोनों ने मिलके उसमें तो बेचारे सीईओ को मार ही डाला था इसने। तो बोलता है कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन रूरू तुम्हें हेल्प करेगा, और काफ़ी समय से रूरू कह भी रहा है कि वो तुम्हें हेल्प करना चाहता है करके। अब क्या होता है, ये जो है नेक्स्ट डे वापस अपनी क्लास में पहुँचता है और जो टीचर है, नहीं ये एक लड़की है जो आके बोलती है कि तुम्हारा नाम यी है राइट, और बोलती है तुमसे मिलके खुशी हुई। तो यी बोलता है कि हाँ सेम मुझे भी तुमसे मिलके खुशी हुई, तुम मुझे यून बुला सकती हो करके। और तभी लड़की बोलती है कि मेरा हो गया है और मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ और 3rd ईयर की ट्रेनी हूँ और ये एट बॉर्न स्टार कंपनी में, तो मैं जो हूँ यहाँ ट्रेनिंग लेने आई थी लेकिन फिर मैं यहाँ पर पॉप सिंगर बन गई और मेरी जो कंपनी है वो एक्टिंग के लिए बहुत अच्छी है और मुझे यहाँ एक्टिंग क्लास में भी भेजा गया है। और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम भी यहाँ पर सिंगर बनने आए हो, क्या तुम वहाँ यहाँ पर सिंगर की प्रैक्टिस करने आए हो क्या। तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं क्या पॉप म्यूज़िक संभालूंगा, मैं तो ढंग से नाच नहीं सकता, सिंगिंग क्या करूँगा। तो लड़की सोचती है हाँ तो फिर तुम एकदम नए हो यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर देखा है या मैंने तुम्हें किसी एक्टिंग क्लास में पहले देखा है। और वो बोलती है यदि तुम ब्रांड न्यू हो तो वाकई में तुम कुछ टैलेंटेड होगे, वरना तुम यहाँ पर कैसे आते मिस जैंग की क्लास में, जब तक कोई टेस्ट नहीं देता है तब तक कोई भी ऐसे मिस जैंग की क्लास में एंट्री नहीं ले सकता। तभी पीछे से दूसरा आदमी आता है, बोलता है कि तुम्हारा रिलेशन मिस्टर लिन के साथ क्या है, क्या वो तुम्हारे एजेंट है और तुम यहाँ कैसे आए। और
तुम जस्ट ऑर्डनरी आदमी हो तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। तो कोई और बोलता है कि किसे पता कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया है, क्या पता उस इसका किसी के साथ सेटिंग हो और हम जैसे लोगों को यहाँ पर इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, क्या पता ये किसी की सेटिंग के द्वारा यहाँ पर ऐसे पहुँच गया हो। मतलब ये लोग यी के बारे में अभी तक अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तभी दरवाजे पे एक हाथ आता है और दरवाज़ा खुल जाता है और हमारा रैन रैन आ जाता है। और रैन रैन आते ही बोलता है यून माय मैन, यानी ये यी को ग्रीट कर रहा है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग क्लासेस ले रहे हो। अब क्या होता है कि मिस्टर ही और मिसेस ही का घर दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी जो बहू है वो बोलती है कि हमें बहुत साल हो गए हैं, हमने एक दूसरे को नहीं देखा है और तुम जो अब एजिंग हो गया है तुम्हारा। तो मिसेस ही बोलती है कि हाँ एज तो हो गया है लेकिन मैं फिर भी तुमसे यंगर ही दिखती हूँ करके, और हंसती है और बोलती है कि जस्ट तुम इसको देखो कि तुम्हारे आंखों के पास में कितने फाइन लाइंस आ गए हैं और ये सब एजिंग का ही इशू है करके। तभी मिसेज ही बोलती है कि हाँ ये सब जो है तुम्हारे लाइंस जो तुम्हारी आंखों के पास और माथे पे आ गए हैं, ये सब किसका नतीजा है, ये सब तुम्हारे वरीज का ही नतीजा है, इसीलिए तुम अब उतनी यंग नहीं दिखती हो। अब ये दोनों सहेलियाँ एक दूसरे को देखती हैं, मतलब ये भाभी और बहन का मतलब रिश्ता है करके, तो ये एक दूसरे को देखती हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसती है और हाथ मिलाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और तो मिसेस ये भी बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बिग सिस्टर जुनान करके, इनका नाम जुनान है। और तभी मिसेस ये बोलती है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हम लोग फाइनली एक दूसरे को मिल सकते हैं, वो भी पब्लिक में। तो मिसेस जुनान बोलती हैं, मतलब उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो बोलती हैं कि यदि मुझे पहले पता होगा कि पहले पता होता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे इतनी आसानी से, तो मुझे तुमको मिलने के लिए इतने सालों से छुप छुप के नहीं आना पड़ता करके। तो मिसेस ई जो है वो हंसती है और बोलती है कि तुम भी तो इस घर की बेटी की समान हो, और ये यदि ऐसा तुम नहीं करती तो हो सकता था कि वो तुम्हें भी, यदि हम ऐसे खुले में मिलते तो हो सकता था कि वो तुम्हें भी फॉरगिव नहीं करते, मतलब माफ़ नहीं करते करके, और तुम मेरी बहुत ही बेस्ट सिस्टर इन लॉ हो करके। और तभी जुनान बोलती है, मतलब सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम इतने सालों से काफ़ी हैप्पी लाइफ जी रही हो करके, और मुझे जो है तुम सिस्टर इन लॉ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारे भाई के साथ ऑफिशियली जो है डन हो गई हूँ। और तभी मिसेस ही बोलती है पक्का मेरे भाई ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि तुम अपसेट हो गई हो। तो जुनान बोलती है, मतलब सिस्टर इन लॉ बोलती है कि वो सारे समय अपने ही बारे में सोचता है और बिल्कुल भी फैमिली की बॉदर नहीं करता, मतलब फैमिली के बारे में नहीं सोचता है, तो वो जो है उससे मैं क्या अब अपसेट होंगी। और उसका जो वैसे भी ज़िंदगी का पर्पस है वो शायद बहुत पहले ही मुझे अपसेट करने का ही रहा होगा उसका पर्पस, इससे ज़्यादा क्या, चलो उसके बारे में छोड़ो, कुछ और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे हमें हैप्पी फील हो करके। तो मिसेज ही बोलती है हाँ तुम्हें पता है कि मेरा एक ग्रैंड बेबी भी है जिसका नाम रूरू है, और आज मैं उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेके गई थी। तो दिखाते हैं कि वहाँ कैसे उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कितने खुश थे रूरू को देख के, और मिसेज ही के पेरेंट्स भी मतलब रूरू को कितना प्यार कर रहे थे। वो बोलती है कि वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो रूरू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और तो जो सिस्टर इन लॉ है वो बोलती है तो तुम अपने बेटे को कब उनसे मिलाने ले जा रही हो, और बोलती है कि तुम जल्दी से ये सब फिक्स करो जिससे कि तुम फिर वापस मुझे फैमिली के बिजनेस में मदद कर सको, मैं भी बहुत जल्दी रिटायर करना चाहती हूँ, मैं अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ ज़िंदगी में। तो मिसेज ही बोलती है कि मुझे डर है कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, क्योंकि जो
मैं हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, और तुमको ये सारी चीज़ें प्रोफेसर ही ज़रूर समझा देंगे। तो जुनान बोलती है कि क्या समझा देंगे, और तुम उसको स्टेट में ले जाओ और बताओ कि अपने इसको कि ये जो है तुम्हारे ग्रैंडपा है, और ये जो है तुम्हारी ग्रैंडमा है, और ये तुम्हारी आंट है, और जो लिंगवाई है वो तुम्हारी कज़न है, और ये तुम्हारे अंकल हैं, और अपने पति के तो चेहरे के ऊपर वो क्रॉस मार्क ही बना देती है कि ये जो है ये कुछ भी नहीं है करके। और क्या है कि तुम इस लाइन में आओ और अपना काम करो, और तुम जो हो अपने एल्डर्स की भी अच्छी केयर कर सकती हो करके। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो ट्रेनिंग रूम में क्या चल रहा है। यी से रैन रैन मिलने आता है, अभी हमने देखा था पिछले एपिसोड में। तो रैन रैन जो है, यी जो है रैन रैन को देख के बहुत ही शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रैन रैन बोलता है कि अफकोर्स मैं यहाँ तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, और यहाँ कैसा चल रहा है। तो ये बताता है कि यहाँ सब ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है, और मैंने ये क्लासेस को ज्वाइन किया है अभी करके। और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा स्पेस ट्रैवल वाला जो सीरीज़ हमने ख़त्म किया था उसका क्या हुआ करके। और तुम जो हो मुझे कंपनी देने ऐसे आउट ऑफ ब्लू आ गए, और तो मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ मुझे देखने नहीं आए हो, कुछ पर्पस होगा। और तभी रैन रैन बोलता है बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, तुमने मेरे अंदर की बात देख ली। मैं यहाँ पर एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट जॉब के लिए आया था, और मेरी डायरेक्टर ली से एक दिन का मैंने ऑफ लिया था करके। और वो पूछता है क्या मेरा ऐसा करना तुम्हें अच्छा लगा करके। मैंने अपना सारा प्रीशियस टाइम यहाँ आने में निकाला और तुम्हें देखा। तो ये खुश हो जाता है, बोलता है हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुम मिलने आए हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर रैन, वो लड़की आती है जो यहाँ पर सिंगिंग के क्लास लेने आई है। वो बोलती है कि मैं आपकी बहुत ही बेस्ट फ़ैन हूँ, यहाँ की बिगेस्ट फ़ैन हूँ, और मेरा नाम डाउ एन है करके, और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर कभी विज़िट करने आएंगे। दूसरा लड़का भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तीसरा भी आके बोलता है हाँ मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो क्या। और तभी एक पीले बाल वाली लड़की आती है, वो बोलती है वेलकम, आपका वर्क जो है बहुत इंस्पायरिंग है, और आप यहाँ के, मैंने यहाँ पर जो है बॉर्न स्टार जो कंपनी है उसमें मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, और आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, तो क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ क्या। दूसरा बोलता है क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। और तभी वो बोलता है कि भाई तुम लोग थोड़ा हटो करके, और ये को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और तभी हमारे जो रैन रैन हैं वो अपनी नाक ऊँची करके बोलते हैं कि अच्छा तो ये सब मेरे फैन हैं, और फिर बोलते हैं कि वेल मैं तुम्हारी सब तुम लोगों का अच्छा टेस्ट है करके, और मैं जानता था कि तुम लोग मुझे पसंद करोगे। तभी लड़की बोलती है कि मिस्टर रैन क्या आप मुझे आज कोई लेसन दे सकते हैं, मतलब कुछ सिखा सकते हैं क्या। और तभी बताती है वो कि आपने जो पुलिस वाले का रोल किया था, और वो एक्शन मूवी थी, वो बहुत ही इम्प्रेसिव मूवी थी। और तभी दूसरी लड़की सोचती है कि भाई उस पिक्चर को तो देख के मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं, और जब मैं उसका फाइनल सीन देखती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना रैन रैन जैसे फाइटिंग मोड में है वैसा दिखा रहे होते हैं। और तभी रैन रैन बोलता है हाँ वो एक अच्छी पिक्चर थी, हमें कोई भी करेक्टर को निभाने के लिए उस करेक्टर के अंदर घुस जाना पड़ता है करके। ऐसा कहते कहते वो कुछ ऑटोग्राफ्स पे साइन करता है, और बोलता है कि तुम अपने फीलिंग्स को कभी भी ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिना उस करेक्टर को जाने। मतलब इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी रिहर्सल होती हैं, जिस भी करेक्टर को लिखी होती हैं उसके लिए कितना डिवोशन देते हैं, वो ये बता रहा है। और तभी एक लड़का बोलता है कि लेकिन मेरा जो फेवरेट रोल था वो आपने वो वाला रोल किया था ना जिसमें स्वॉर्ड मास्टर आपने खेला था, वो मेरा फेवरेट रोल था, और मैंने देखा कि मुझे पता चला कि आप जो हैं आप अपने स्टंट्स खुद करते हैं, कोई और आपके स्टंट्स नहीं करता है करके। मैं इतना अमेज था
कि आपने उस सीन को कैसे अपने आप किया होगा, आपके जो मूव्स थे वो बहुत स्मूथ थे और बहुत रियल मैन की तरह दिख रहे थे, तो मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ। तो रैमलिन बोलता है सिर्फ एक ही चीज़ है जो जिसके द्वारा तुम मेरे जैसे बन सकते हो, और वो ये है कि आप लोग जिम जाइए और जिम में जाके वर्कआउट कीजिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको नई टेक्निक्स वगैरह पता चलेंगी, और आपको अपने फिजिक को कैसे राइट एंगल में एक्सपोज करना है ये पता चलेगा। तभी पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि ये बहुत ही रेयर चांस है जब हम मिस्टर रैन से मिल रहे हैं, और आप हमको क्या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देंगे क्या? तो बेचारा ये अभी भी साइड में खड़ा है और सोच रहा है कि सब लोग का अटेंशन रैन रैन पे ही है, और रैन रैन भी उनसे बात कर रहा है और वो बेचारा एक तरफ साइड में खड़ा है। और तभी रैन रैन होता है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि मैं कुछ और ऑटोग्राफ्स भी साइन करूं। मुझे डर है कि मैं आप लोगों को कोई आज लेसन नहीं सिखा सकता हूं, मेरा जो टाइम है बहुत ही एक्सपेंसिव है और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, और मैंने ये 20 मिनट जो है अपने यी के साथ गुजारने के लिए निकाले हैं और मैं उसी के साथ गुजारूँगा। तो सब यी की तरफ देखने लगते हैं जैसे कि पता नहीं भाई यी की वजह से कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई करके। तो यी बोलता है कि लेकिन यदि वो लोग चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ टाइम गुजार सकते हैं, मतलब यी का ऐसा मतलब होता है। लेकिन इससे पहले वो ये बात कहे, उससे पहले ही रैन रैन बोलता है चलो चलो हम बाहर चलते हैं और हम किसी कैफ़े में जाके वहाँ पर सेकेंड फ्लोर में बैठ के बात करेंगे करके। अब क्या होता है, ये लोग कैफ़े में पहुंचते हैं, सेकंड फ्लोर जाते हैं और वो बोलता है कि कम से कम तुम यहाँ ऐसे दिख रहे हो जैसे कि तुम हो मतलब। और तभी रैन पूछता है कि क्या वो लोग तुमको हार्ड टाइम दे रहे हैं, मतलब तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी कर रहे हैं क्या? तो ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे पे डाउट कर रहे हैं कि मेरी एबिलिटी नहीं थी यहाँ पर आने की, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह ये क्लास को ज्वाइन कर लिया। और तभी रैंडम होता है, तो तुम उनको लगता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम हर्ट हो रहे हो करके। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस जो है किसी के भी कहने पे हर्ट नहीं करना चाहिए। यानी देखो दोस्तों, इस बात से एक सीख और भी मिलती है कि चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और हमें अपना ये देखना चाहिए कि हम कैसे सक्सेस ले सकें। हमें किसी के कहने से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि रैन रैन बोलता है कि तुम सोचते हो ऐसा सच्ची में कि तुम उन लोगों से इन्फीरियर हो? तो ही बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है करके। मैं पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट था, बट इतने सारे लोगों को देख के जो मुझे अभी भी जज कर रहे हैं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डगमगा गया है करके। और जो मैं हूँ, मेरे कई बार हाथ पैर भी जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं इन लोगों को ऐसा देख के। और तभी लेडी बताती है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं था कि ये जो था वो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर था करके। तो ये अब रैन रैन को बता रहा होता है कि मैं क्यों नहीं ऑर्डिनरी एक्टिंग क्लासेस ले सकता और क्यों ये पॉसिबल नहीं है करके। तो रैन रैन बोलता है कि ये सिर्फ ऐसा प्रूव करता है कि जो क्लास में दूसरे लोग हैं वो तुमसे ज़्यादा बेटर हैं, और इसीलिए तुम्हारे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैर ठंडे हो रहे क्योंकि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो ये अपने गाल को हाथ लगाता है, बोलता है कि तुम थोड़ा सा इजी रहोगे मेरे साथ? और तभी रैंडन बोलता है कि ब्लाइंड कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे रियल कॉन्फिडेंस से डिफरेंट होता है। यानी हमें कभी भी किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए करके। और वो बताता है कि ये जितने भी डाउट्स हैं वो तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो वो उसी से हम लर्न करते हैं, और कई बार हमारे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम एकदम से लर्न कर लें। इन शॉर्ट जो तुम्हारा लक है वो काफ़ी अच्छा है और तुम्हें सबके साथ कम्पीट भी करना पड़ेगा। तो ये बोलता है हाँ मैं सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड रहता हूँ करके। और तभी रैन रैन बोलता है तुम्हें लेकिन दो चीज़ों पे डिपेंड रहना चाहिए मेरी ओपिनियन में, वो दो चीज़ें ये है कि एक कॉम्पिटेंस होना चाहिए
और दूसरा है इंट्यूशन होना चाहिए। और यही दो चीज़ें हैं जो सक्सेस के लिए एक सीक्रेट है, और यही दो चीज़ें हमें अचीव करनी चाहिए। अब वो अपना मतलब फ्लैशबैक में जाके रैन बताता है कि कैसे वो अपना सिर ऊपर ऊपर करके चला इस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था करके, तो जी को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और रैन ये भी बताता है कि लाइफ में हमें अपने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए, और इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि मैं अपने मन में मुझे जो मेरा मन कहता है मैं वो करता हूँ, मुझे अपने मन पे भरोसा है करके। और तभी ये सोचता है तो क्या ये मतलब तुम मेरे दोस्त इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं फेमस हूँ करके। मतलब अभी तक यही सोच रहा था कि रैन उसका दोस्त इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा फेमस हो गया है इसलिए रैन उससे बात करता है, लेकिन रैन ने कहा कि वो उससे इसीलिए बात करता है और उसका दोस्त इसलिए है क्योंकि उसका मन कहता है कि उसे इस इंसान से दोस्ती करनी चाहिए। तो रैन बताता है कि एज ए फ्रेंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अपनी थिंकिंग को बदलो और तुम जो तुम्हारी रूट कॉज है तुम्हारे डर का उसको पहचानो, और जो है तुम अपने क्लास में ध्यान दो, लेकिन तुम उसी तरीके से ध्यान दो जो तुम हो, तुम वो करो, वो मत करो कभी भी जो तुम नहीं हो करके। और हार्ड वर्क और स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर प्लेस है, और तुम्हारे जो पास्ट अचीवमेंट्स थे अब वो हिस्ट्री बन चुके हैं, और तो तुम अपने आप को एक रूकी की तरह समझो और सोचो कि तुम्हें हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और इसी तरह तुम जो हो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा और तुम दूसरों के डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो क्योंकि जब तुम हार्डवर्क करोगे तो ऑब्वियसली तुम अपने लिए कुछ अच्छा सेटअप करोगे, अच्छा करते जाओगे। तभी ये सोचता है कि साइलेंस दें यानी उन लोगों का मुंह कैसे चुप कराना है, तो उसे उसकी मेहनत करनी होगी और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि वो कितना हार्ड वर्किंग है। और तभी रैन बताते हैं कि मैं जो हूँ अपने एक्टिंग स्किल्स पे ही अभी तक टिका हुआ हूँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और मैंने अपनी जो मैं बेसिकली अंदर से एक लिटिल प्रिंसेस हूँ, लेकिन मैंने अपने ये लिटिल प्रिंसेस वाले साइट को एक जगह पे छुपा के रखना है अपने अंदर जो किसी को पता नहीं है, और मैं सबके सामने ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे कि मैं प्रिंस हूँ, चार्मिंग प्रिंस हूँ, और जो फीमेल लोग हैं वो सब मेरे फैंस इसीलिए हैं। लेकिन ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग है, मतलब उसके हिसाब से जैसा वो नहीं है वैसा वो प्रिटेंड कर रहा है, वो सामने लोगों को एक टफ प्रिंस की तरह दिखा रहा है लेकिन अंदर से वो एक स्मॉल प्रिंसेस की तरह है। और तभी बोलता है कि भाई मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मुझे वापस काम पे जाना होगा, तो तुम जो भी करो बहुत अच्छे से करना, डू योर बेस्ट करके रैन उठता है और बोलता है कि कॉम्पिटेंस जो होता है वो कोई शेमफुल थिंग नहीं है, और तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो, मतलब जो करते हो उस पर ध्यान दो और ये भी देखो कि क्या गलत किया है उसे सही करो, और जो तुम हो वही तुम रहो, कुछ और मत बनने की कोशिश करो, और ये मेरे वर्ड्स को तुम हमेशा याद रखो और अपना बेस्ट तुम यहाँ पर देना। तो ये मुस्कुराता है और ओके बोलता है, और वो याद करता है कि रैन ने क्या कहा कि तुम्हारा जो पास्ट अचीवमेंट था अब वो हिस्ट्री बन चुका है और तुम्हें वैसे ही रहना है जैसे तुम हो, मतलब जो तुम हो वही दुनिया को दिखाओ, किसी के लिए अपने आप को बदलो मत। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं ऑपरेशन थिएटर और CEO को। अब आप लोगों को याद होगा कि CEO के जो ग्रैंडफादर थे उन्हें कैंसर हुआ था जिसका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो आई गेस वही ऑपरेशन के लिए इनकी फैमिली यहाँ पर आई है और ये लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं। टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और अब इनकी घड़ी में इतना बच चुका है लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तभी जो हमारे CEO की बहन है वो मतलब आंटी वो बोल उनका हस्बैंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो इनके ग्रैंडफादर हैं
सीईओ के ग्रैंडफादर है वो ठीक हो जाएंगे के। तभी ये पीले हेयर वाली लड़की जो हमारी ये आंटी है मतलब सीईओ के अंकल की जो बहन है उनकी छोटी लड़की है वो भी सोचती है कि ग्रैंडफादर जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो बहन है वो सोचती है कि ठीक है किसी तरह हमारे जो फादर हैं वो किसी तरह अपने आप को इस मुसीबत से पुल कर ले तो अच्छा होगा। अब सीईओ और सीईओ का मैनेजर खड़ा होता है और मैनेजर सीईओ के कान में फुसफुसाता है कि जो चीज़ें हैं वो अभी ठीक ही दिख रही है और जो ऑपरेशन है वो 3 बजे तक में ख़त्म हो जाना चाहिए। अब सब लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि ऑपरेशन कब ख़त्म होगा। कोई मोबाइल में देख रहा होता है, कोई मोबाइल में खेल रहा होता है। तभी स्ट्रेचर बाहर लेके आया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ और जो पेशेंट है उसके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो गए हैं और वो जो है 24 आवर्स के अंदर अपना कॉन्शियस जो है वो रिटेन कर लेगा। मतलब अभी ऑपरेशन हुआ है तो एनेस्थीसिया दिया है तो 24 आवर्स के अंदर उनको होश आ जाएगा और हम उन्हें अब रिकवरी रूम में ले जा रहे हैं और नर्स जो है वो अभी यहाँ पर शॉर्टली आ जाएगी और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देगी कि ऑपरेशन के बाद के कैसा केयर करने का है। तो सीईओ बोलता है कि आप लोग एक काम करो, सब घर जाओ और रेस्ट करो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ और ग्रैंडपा के उठने का इंतज़ार करता हूँ और जैसे ही वो उठेंगे मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर लूँगा। तो उठने में सीईओ के अंकल का बेटा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा होगा तुम यहाँ बैठ के इंतज़ार करोगे और तब तक में मॉर्निंग हो जाएगी और हम लोग यदि चले गए और यदि ग्रैंडफादर उसमें उठ गए और उन्होंने हमें यहाँ पर नहीं देखा तो ये ठीक बात नहीं होगी और ये सब मतलब हमारा को मतलब कैसा फिर दादाजी की इमेज मतलब हमारी इमेज उनकी आंखों में कैसी बनेगी करके। तो सीईओ बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनको उठने में 24 घंटा लगेगा और यदि तुम्हें इतनी वरी हो रही है तो हम लोग सब टर्न ले लेके यहाँ पर वेट कर सकते, मतलब पहले तुम कर लो फिर मैं कर लूँ करके। तो ये लड़का बोलता है ऐसा क्यों। तभी इनकी जो आंट है वो बोलती है कि जिन याओ जो है वो सही कह रहा है और हम लोग यहाँ सब बहुत घंटों से हैं और सब लोग टायर्ड भी हो गए होंगे और सबको भूख भी लगी होगी और अभी डैड के उठने में थोड़ा टाइम भी है तो हम लोगों को यहाँ पर एक्चुअली में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को बेटर होगा कि हम लोग टर्न ले लेके यहाँ पर डैड की रखवाली करें और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सब बारी बारी डैड के से मिल सकें करके। अब क्या होता है कि सीईओ और सीईओ का जो मैनेजर है वो हॉस्पिटल में दादाजी के साथ में बैठे होते हैं कुछ पेपर्स लेके और रूरू जो है वो दादाजी के फिंगर्स के साथ खेल रहा होता है। तभी उनके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और मैनेजर बोलता है कि इस वक्त डॉक्टर तो नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने अभी राउंड लगाया था आधे घंटे पहले और तुम्हारी जो आंटी हैं वो तुमको रिप्लेस करेंगे अभी और उनको अभी आने में यहाँ पर 4 घंटा है करके। तो सीईओ रूरू को गोद में उठा लेता है और अपने मैनेजर को बोलता है कि तुम जाके देखो कि वहाँ कौन है, मैं नहीं चाहता कि कोई रूरू को देखे और मैंने अभी तक अपने फैमिली के और दूसरे मेंबर्स को नहीं बताया है कि रूरू मतलब मेरा बेटा है करके। तो मैनेजर जो है बोलता है यस सर और मुड़ के जाने लगता है, दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो क्या दिखता है कि सीईओ के ग्रेट ग्रैंड पा जो हैं मतलब परदादा यहाँ पर चिल्लाते हुए एक बहुत बड़े बैग के साथ आए हैं और बोल रहे हैं माय डियर सन माय डियर सन, यानी ग्रेट ग्रैंड पा सीईओ के ग्रैंड पा को देखने आए हैं जो कि ग्रेट ग्रैंड पा के सन हैं। और वो बोलते हैं कि यदि मुझे पता होता कि तुम ऐसा मिस फॉर्चून इस ईयर तुम्हारे ऊपर आएगा तो मैं कभी भी इतनी दूर नहीं जाता लेकिन मैं बहुत सारा मतलब सीक्रेट मटेरियल लेके आया हूँ
और ये जो है कोड्स हैं, और ये स्पेशली जो है स्पेसिफिक डेट एंड टाइम का मटेरियल है, मतलब इनकी पोटली में बहुत सारा खजाना है। और तभी हमारा मैनेजर जो है वो दरवाजे के बीच में एकदम पिस चुका होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ का जो वाईफाई है वो बहुत टेरेबल है, और मुझे यही नहीं पता है कि इनकी इलनेस क्या है, मतलब अभी तक इनको क्या प्रॉब्लम है ये उसको पता ही नहीं है। तो सीईओ देखता है कि जो इंसान आया है वो कोई और नहीं, उसके ग्रेट ग्रैंडपा हैं, और उसकी आंखें एकदम छोटी छोटी हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा बोरिया बस्तर जैसा कौन लेके आता है। और वो अपने ग्रेट ग्रैंडपा जो हैं वो अपने बेटे की तरफ जाते हैं, बोलते हैं माय सन माय बॉय ग्रेट ग्रैंडपा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सीईओ ऐसा पूछता है। और दिखाते हैं कि ग्रेट ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम रुको, अपना हाथ दिखा के बोलते हैं, लेकिन फिर भी सीईओ बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं आपको कांटेक्ट करूं, लेकिन मैं आपको ग्रैंडपा जब फुली ठीक हो जाते तब कांटेक्ट करना चाहता था। तो ग्रैंडपा बोलते हैं इनफ, मुझे सब पता है, मुझे पता है कि मेरे बेटे का फेट क्या है करके, और हम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो डिसअपियर हो रहा है, मतलब खोता जा रहा है। और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करूँगा जो स्पिरिचुअल टूल्स हैं और जो बैड लक को भगाने के काम में आती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसा पड़ा हुआ दिखता है तो वो सोचता है कि वो टाइम पे नहीं पहुँच पाया। लेकिन फिर अच्छे से देखने के बाद उसे दिखाई देता है कि जो ग्रैंडफादर है, मतलब उसका जो बेटा है, उसके गाल बाल काफ़ी लाल हैं, मतलब वो हेल्दी दिखाई दे रहा है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर पूछते हैं कि इसके गाल जो हैं वो इतने रोज़ी से क्यों हैं, तुम मुझे बताओ, और तुमने नहीं कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसके ऊपर कोई फ्यूनरल मेकअप वेकअप कर दिया हो और ये मर चुका हो, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर की थिंकिंग टोटली अलग होती जाती है। लेकिन रूरू को क्या दिखाई देता है कि ये जो ग्रेट ग्रैंडपा हैं उनके ऊपर जो पोटली बंधी हुई है वो बहुत ही शाइनी है, और वो देखता है कि कितना शाइनी है और उसको पकड़ना चाहता है। किसी का भी ध्यान अभी रूरू पे नहीं है। तो हमारे सीईओ बोलते हैं कि ग्रेट ग्रैंडपा ऑपरेशन जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो ग्रैंडफादर जो हैं हमारे वो ठीक हो जाएंगे और वो ही विल गेट बेटर सून, वो जल्दी ही ठीक होंगे, और उनके मुँह के ऊपर हमने कोई मेकअप नहीं किया है, और वो जो हैं वो ऑपरेशन से पहले भी अच्छा ही कर रहे थे, मतलब उनका कंडीशन इतना ख़राब नहीं था, तो इसीलिए वो जो हैं हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। और तभी ग्रेट ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, और क्या वो वाकई में ठीक हो जाएगा। और फिर ग्रेट ग्रैंडपा सोचते हैं कि लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसा कि मैंने देखा था उसकी भविष्यवाणी की थी, ये उस चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है, और उसमें ऐसा लिखा था कि, लेकिन उसके बाद फिर वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि रूरू उनके कपड़े खींचने लगता है और बोलता है शाइनिंग शाइनिंग, क्या मैं ये शाइन को टच कर सकता हूँ। तभी ग्रेट ग्रैंडफादर का ध्यान रूरू पे जाता है और वो बोलते हैं क्या तुम इस सामान को छूना चाहते हो। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं क्लासरूम, तो कोई बोलता है कि अब ये तुम्हारा टर्न है डाउट, मतलब वो जो सिंगर थी अब उसका टर्न है, और कोई बोलता है कि ये तुम प्रिपेयर करना चालू करो, तो ये बोलता है ओके। अब डाऊ आती है हमारी सिंगर, और फिर ये को पीछे से याद आता है कि कैसा रैन ने कहा था कि तुम्हें प्रिटोनियस नहीं बनना है क्लास में, तुम वो बनो जो तुम हो और अपना बेस्ट शॉट दो। तो वो इस बात को ध्यान में रखता है और सोचता है कि मुझे अब अपने बड़े घोड़े पे चढ़ना ही पड़ेगा, और तुमको नहीं चढ़ोगे तो तुम इन लोगों को दिखा नहीं सकोगे कि तुम भी कुछ हो, और तुम्हें अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और मैं जो हूँ एक रुकी हूँ और रुकी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है।
और वैसे भी जो रोम है मतलब एम्पायर जो होता है वो एक दिन में खड़ा नहीं होता है, हमें उसे खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने मन में सोचता है कि हमें जितना हो सके उतना लर्न कर लेना चाहिए मिस जैंग से और अदर स्टूडेंट से। अब मिस जैंग आती है यानी उनकी टीचर आती है और बोलती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो था बहुत अच्छा था और नेचुरल था और तुम्हारे जो इमोशंस थे वो भी पिन पॉइंट पे थे, बट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे को पोर्ट्रे करती है कि तुम एक इनसिक्योर वूमन की तरह पोस्चर दे रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को यहाँ पर दिखाना है। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो तुम्हें अपने जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और एकदम कॉन्फिडेंट देखना है करके। ये जो हमारी टीचर होती है वो हमारी सिंगर को ये ज्ञान दे रही होती है और बोलती है कि तुम्हें हमेशा अपने माइंड और बॉडी लैंग्वेज दोनों का ध्यान रखना है। तो ये जो सिंगर स्टूडेंट है दाओ वो बोलती है कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी, थैंक यू मिस जैंग। अब क्या होता है, मिस जैंग का ध्यान जाता है यी पे और वो यी को बोलती है ठीक है तुम प्रिपेयर करना चालू करो, और यी बोलता है कि मैं रेडी हूँ। और तभी हमारी जो टीचर है उनको थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि यी का एक्टिंग अभी भी सुधरा नहीं है, लेकिन फिर भी यी अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश करता है और मिस जैंग थोड़ा सा सेटिस्फाई नज़र आती है और उनकी सांस में सांस आती है। और तभी सारे लोग भी यी को एकदम फटी आंखों से देख रहे होते हैं कि भाई थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मिस जैंग फिर ताली बजाती है, बोलती है नॉट बैड नॉट बैड, लेकिन तुम्हें जो है और भी अपने हार्डवर्क करना पड़ेगा और तुम्हें अपने इमोशनल स्टेज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और अपना टाइम लो और नेक्स्ट लाइन के ऊपर तुम जाओ। और जो तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा किया है तुमने, तुमने काफ़ी ग्रेट जो है प्रोग्रेस की है। मिस जैंग एक्चुअली यी की तारीफ़ करती है, तो यी जो होता है वो मिस जैंग को थैंक यू बोलता है और अपने मन में सोचता है कि मिस जैंग ने पहली बार मेरी तारीफ की है। और बेचारा बैठा होता है और अपने मन में सोचता है कि लास्ट है लेकिन फिर भी लीस्ट नहीं है और अब ये मेरा टाइम है जब मैं शाइन करूँगा करके। अब क्या होता है, हमारी जो सिंगर है वो बोलती है कि यून तुम वाकई में बहुत इम्प्रूव किया है, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी स्मूथ था पहले की अपेक्षा। तो यी बोलता है थैंक यू। और तभी वो पूछती है कि तुम्हें रैन रैन ने कोई सीक्रेट टिप्स दिए क्या, तो बताओ तुम्हें उसने क्या कहा। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ भाई बताओ तुमने रैन रैन से क्या सीखा और एकदम से तुम कैसे इतना इम्प्रूव हो गए, तो तुम भी क्यों नहीं हम लोगों के साथ भी शेयर करते हो वो सीक्रेट। तो यही बताता है कि वो कुछ भी स्पेशल नहीं था, हम लोगों ने नॉर्मल चैट किया बट उसके जो शब्द थे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम हमें बताना नहीं चाहते। तो ये बोलता है ऐसा नहीं है। तो उतने में लड़का बोलता है कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो और सेल्फिश होना ह्यूमन का नेचर है और वैसे भी हम लोग कंप्यूटर्स हैं, तो ये सेंस बनता है कि तुम हमसे वो जो रैंडर ने कहा वो शेयर नहीं करना चाहते। तो ये अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने सब कुछ गलत ही सोचा, मतलब उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था जैसा ये लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो लेडी है वो रैन रैन से बात कर रही है और बताती है कि जो ये वाला एपिसोड हम लॉन्च करने वाले हैं वो तुम्हारे डेली लाइफ के ऊपर है और हमें जो है तुम्हारे एक दो दोस्त जो इंडस्ट्री में हैं वो जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी मदद लगेगी और तो क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं। तो रैन रैन सोचता है अपने नाखूनों को ठीक करते हुए फाइल करते हुए कि दोस्त, और सोचता है कि आधे से अधिक तो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं मेरे,
और आधे से अधिक जो फ्री लोडर्स हैं जो मेरे पैसे पे मतलब खाते पीते हैं और मेरे पे पिगी बैंक बन के मेरी पॉपुलरिटी को के साथ अपनी पॉपुलरिटी जोड़ते हैं। तो वो बोलता है कि आपको लगता है कि मैं इडियट हूँ करके। तो उसकी जो मैनेजर है वो बोलती है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है और ये जो है कि सिर्फ शो के लिए है, और यदि तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं है तो मैं कुछ लोगों को अपनी तरफ से चुन लेती हूँ जो ठीक ठाक कैंडिडेट हों और तुम उनमें से कुछ एक या दो लोगों को चुन लेना। तो रैनन बोलता है नहीं, मेरे दिमाग में पहले से ही कोई है। और वो बोलता है कि मैं ही को इनवाइट करूँगा क्योंकि रैन रैन के लिए दूसरे लोग ज़रूर सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं और फ्री लोडर्स हैं, लेकिन वो ही को वाकई में जेन्युइनली अपना फ्रेंड मानता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक मल्टीपर्पज़ क्लासरूम है जहाँ पर उनकी टीचर बोलती है कि आज के लिए बहुत हुआ और तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, तो मैं तुम लोगों को एक जनरल असाइनमेंट दूँगी और तुम लोगों ने जो आज ए अच्छा करने की वजह से तुम लोगों को मैं हाई स्कोर भी दूंगी इस असाइनमेंट पे। और हमारी कंपनी जो है एक नया स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए कॉमेडी सीरीज़ आ रही है जो ब्लॉकबस्टर होगी, उसके लिए वो कास्ट कर रही है जिसका नाम है स्प्रिंग ब्लॉकबस्टर, तो उसके लिए भी आपको अपनी तैयारी करनी है और मैं आप लोगों का जो नाम है वो रिकमेंड करूँगी और आप लोगों के परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर से डायरेक्टर आप लोगों को चुनेगा, तो तुम लोगों को अपना बेस्ट आउटपुट देना है। तभी ये जो सिंगर लड़की है वो बोलती है कि कंपनी का न्यूएस्ट ब्लॉकबस्टर यानी कि उसमें ए लिस्ट स्टार्स भी उसमें ज़रूर होंगे, और दूसरा सोचता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल की कॉमेडी है करके, और स्प्रिंग फेस्टिवल की जो कॉमेडी होती है वो बहुत अच्छी होती है, डैड और मॉम जो है फाइनली मुझे देख पाएंगे बिग स्क्रीन के ऊपर। अब इन सब के बीच में ई बैठा होता है और सोचता है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक और एक लड़का बोलता है कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं पूरा कंट्री हमें देखेगा, हमारी कंपनी के रूल्स जो हैं वो बॉक्स ऑफिस के दौरान स्प्रिंग फेस्टिवल में हमें दिखाई देंगे और ये जो है बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है करके। ये लोग सब बहुत खुश हो रहे होते हैं और सबके अपने अपने विचार होते हैं जो वो लोग बताते हैं, और दूसरा एक लड़की बोलती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगी, दूसरा बोलता है ब्रिंग इट ऑन लेके आओ, और तीसरा बोलता है कि ये रोल तो मुझे ही मिलेगा और मैं ही विनर होऊंगा। तो बेचारा ये अभी भी इनके बीच में चुप बैठा होता है। तभी टीचर बोलती है कि बाय द वे कि मैं जो हूँ हर पर्सन को एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। तभी वो ये का नाम लेती है और ये अपनी टीचर को देखने लगता है, और तभी टीचर बताती है कि जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था तुम्हारे लिए बहुत सारे डोर्स को ओपन कर दिया है, और तुम्हारा ये वाला परफॉर्मेंस तुम्हारे पिछले परफॉर्मेंस की अपेक्षा बहुत बेटर भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे को ये जो तुम इतना अच्छा कर पाते हो वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने चेंज ऑफ माइंडसेट की ज़रूरत है करके, और ये इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ कि तुमने अपना माइंड बदला और इतना अच्छा किया। और बोलती है कि मुझे लगता है आई होप कि तुम अपना माइंड जो है वो फ्री रख सको, बर्डन से दूर रहो जिससे कि तुम आसानी से हर चीज़ों को समझ सकोगे फिर, और जो करेक्टर्स हैं उनके फीलिंग्स को बहुत केयरफुली तुम समझना और जो प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करना कि कैसे कौन क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में जो है काम आएगी। तो ये बहुत मोटिवेट होता है और बोलता है ठीक है मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूँगा और थैंक यू मिसेस जैंग आपके इतने अच्छे एडवाइस के लिए। तो मिसेस जैंग बोलती है कि ऑल राइट अब हम आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। और तभी ये का पुराना मैनेजर आता है बोलता है कि हम क्लास ख़त्म हो गया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और फिर दोनों बात करते हैं। तभी इसका पुराना मैनेजर बताता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हमको चल के मिस्टर लिन से मिलना चाहिए और हमें उन्हें ब्रीफ में आइडिया देना चाहिए, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो है वो ओके बोलता है और उसके साथ जाने लगता है, लेकिन उसके साथ के जो सहपाठी होते हैं वो उसको थोड़ा देखने लगते हैं। उनमें से कोई बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर लिन जो हैं
उन्होंने नए टैलेंट्स को लेने के लिए सोचा है, तो र्यूमर जो है वो शायद ट्रू है करके। और दूसरा बोलता है कि हाँ, ये जो लड़का है कि उसने ये अभी कहा कि वो यून को लेने आया है और मिस्टर लिन उसको देखना चाहते हैं करके, पर ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सब एग्री होते हैं इसी बात पे कि इसका जो परफॉर्मेंस है कुछ ऑर्डनरी सा ही था, कुछ खास नहीं था। तो फिर मिस जैंग ने उसे इस तरह से क्यों तारीफ़ किया कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो जो हमारी म्यूज़िक वाली लड़की होती है, जो म्यूज़िक के लिए यहाँ पर आई है, वो बोलती है कि दूसरों की कंप्लेन करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। और मैं सोचती हूँ कि हम लोग को हमारे अपने शॉर्ट कमिंग्स पे, यानी हम में जो कमियाँ हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें दूसरों से कंप्लेन करनी चाहिए। और तभी जो पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि हाँ, हमें यदि हम अपने पर अपनी शॉर्टकमिंग्स को ठीक नहीं करेंगे तो हम अपना ही उल्लू बना लेंगे दूसरों के सामने, और ये कभी ना कभी तो हो गई, तो एटलीस्ट हमको उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। तो लड़के बोलते हैं ठीक है ठीक है, यदि तुम उस तरह से कहती हो तो मेरे को ठीक लग रहा है ये, और मैं इस बात को जाने देता हूँ करके। अब क्या होता है, यहाँ पर सब लोग टेबल पे, सोफे पे बैठे होते हैं और कुछ कागज़ टेबल पे रखे होते हैं। तो लेडी बोलती है कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, और एजेंट से वो बोलती है मैं एक्सिया का एजेंट हूँ, मैंगहुआ, और उसका नाम मैंगहुआ है। और तभी वो बोलती है कि तुम मुझे मिस हुआ बोल सकते हो। तो ये बोलता है नाइस टू मीट यू मिस हुआ। अब क्या होता है, मिस्टर लिन बोलते हैं कि ये मिस हुआ ने तुम्हारा नाम जो है एक रियलिटी शो के लिए रिकमेंड किया है, और ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और ये जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ पर है, इसमें शो के डिटेल्स हैं। तो ये स्क्रिप्ट को हाथ में लेता है और सोचता है कैसा स्क्रिप्ट है। तो तभी मिस हुआ बोलती है कि फैंस जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा रैन रैन कैसा बिहेव करता है इन डेली लाइफ में, क्योंकि रैन रैन के लिए शो हो रहा था और रैन रैन ने कहा था कि वो यी को चुनेगा, इसीलिए ये मिस हुआ यी से रियलिटी शो के बारे में बात करने आती हैं। और वो बताता है कि जो ये शो है वो सब हमारे दिन भर की जो भी हम करते हैं वो हमको, मतलब हमारा वो रिकॉर्ड करेगा, जैसे दूसरे शोज़ होते हैं रियलिटी शोज़ जैसे हम अपने टीवी पे देखते हैं, सेम वैसे ही शो इनके यहाँ पर भी हो रहा है। और बोलता है कि इससे क्या है, मैं अपने लिए एक व्लॉग भी बनाऊंगा करके। मिस हुआ बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे पास और रैनम के पास अब स्क्रिप्ट है, और तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो ये स्क्रिप्ट हैं उसको हम वो करें, मतलब ट्राई करें, और हम अपने फैंस के सामने इसको रिवील भी करेंगे करके। और तभी वो बताती है कि इन ट्रूथ और इन रियलिटी ये शो जो है सिर्फ शो जैसा ही है, तो तुम लोगों को सबको वैसे ही बिहेव करना है जैसे तुम अपने नॉर्मल ज़िंदगी में बिहेव करते हो। तो रैन रैन बड़ा प्राउड हो रहा होता है और अपने सोचता है कि मैं कैसे अपने प्रिंसेस वाले जो मन में उसके प्रिंसेस वाला एक्ट है वो कैसे वो इतने सारे लोगों के सामने निकाल सकता हूँ। क्योंकि हमने देखा था कि रैनन ने एक बार बोला था कि वो बाहर से तो प्रिंस है लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं अंदर मन में वो एक प्रिंसेस की तरह है। और वो बोलता है कि मैं उन लोगों को अपने दिल के अंदर कभी नहीं आने दूंगा करके। और बताता है कि जो घर हम विजिट करेंगे वो हमारा जो है प्रोडक्शन टीम के द्वारा बनाया गया होगा। और यी को बोलता है कि तुम ऐसा समझ लो कि ये एक अनदर रोल की तरह है, जैसे तुम्हें कोई और रोल दिया गया है, और मैं जो हूँ एकदम सुपर माचो गाय की तरह जो है बिहेव करूँगा, और तुम जो हो, तुम जैसे हो, तुम वैसे ही बिहेव कर सकते हो। और जो रैन रैन होता है वो बिल्कुल सपने देखने लगता है कि वो उस घर में जाएगा तो वो कैसे लोगों को अपना बॉडी बॉडी दिखाएगा, एकदम हंक वंक जैसा बनेगा। और बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर मेरे अच्छे फ्रेंड होने का रोल प्ले करना है, और ये जो है सिर्फ एक परफॉर्मेंस ही है। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कि मिस्टर यी, यानी यी को बोलते हैं, ये जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी पब्लिसिटी के लिए।
और तो आपको ये मतलब ये करना चाहिए करके। और जो स्क्रीन पे रैन रैन है वो भी बहुत सारे लोगों का अटेंशन जो है अपनी तरफ लेगा बहुत कम समय में। एंड जब तुम प्रमोशन तुम्हें मिलेगा स्पेस ट्रैवल के लिए तो तुम्हें सभी लोग जो है और याद रखेंगे। तो ये उनकी बात सुनता है और उनको देखता है और बोलता है ठीक है श्योर। और उसके बाद क्या होता है ये बोलता है रैन रैन को कि थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं तुम्हारा सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छे से करूँगा करके। तो रैन रैन बोलता है ऑफ कोर्स हम भाई हैं तो हमें तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी घर जाओ और अपने आप को मतलब फैमिलियराइज करो सब चीज़ों से और स्क्रिप्ट भी पढ़ना और मैं जो हूँ अब मूवी के सेट पे जा रहा हूँ करके। और जो हम दोनों हैं लाइंस को बाद में वीडियो चैट के द्वारा रिहर्सल कर लेंगे। तो ये बोलता है ओके। अब ये काफ़ी मोटिवेट हो गया है, उसको ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें कर सकता है और ये प्रॉमिस करता है कि वो ये कर ही लेगा। अब क्या होता है कि एक बड़ी सी ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है और कोई सामान इधर से उधर रख रहा होता है कि यहाँ पर कुछ रखो किसी को यहाँ रखो। और इस ऑफिस के अंदर कोई और नहीं, ये एक छोटा बच्चा है जो हमारा रूरू है। और तभी वो तो सभी चीज़ों को देखता है। अब क्या होता है ग्रैंडपा जो हैं ग्रेट ग्रैंडपा वो देखते हैं कि रूरू कैसे वो सारी चीज़ें जो उनके झोले में भरी पड़ी थी उन सबको अरेंज कर रहा है करके। तभी सीईओ मन में सोचता है क्या ये सब चीज़ों को सॉर्ट इट आउट कर रहा है। तो ग्रेट ग्रैंडपा बोलते हैं चुप रहो उसे इंटरप्ट मत करो। तो कोई इंटरप्ट तो नहीं करता लेकिन सब लोग बड़ी बड़ी फटी फटी आँखों से देखते हैं और बोलते हैं बड़ा अच्छा वेरी गुड और ये तो जीनियस है करके। पर हालांकि मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि बेसिकली रूरू कर क्या रहा है। और रूरू काफ़ी चीज़ों को एक सामान के ऊपर दूसरे सामान रख रहा होता है। और फिर वो वापस वो बैग उठाता है उसके अंदर एक स्क्रॉल होता है जिसको वो पकड़ता है और उस स्क्रॉल को वो बाहर निकालता है। पर ये स्क्रॉल में कुछ मैजिक रेज हो रहे होते हैं जो हमारे रूरू को ही दिखाई देते हैं। और रूरू फट से उस मैजिक स्क्रॉल को अपने गले से लगा लेता है। और जो ग्रेट ग्रैंडपा हैं वो बोलते हैं गुड टेस्ट यानी कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है करके। और वो बताते हैं कि ये जो पेंटिंग है वो एक बहुत एंशियंट आर्टिस्ट के द्वारा पेंट की गई थी और मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ज़्यादा पैसे दे के इसे किसी कलेक्टर से ख़रीदा है और ये जो है ये मेरा एकदम फेवरेट कलेक्शन था और ये बहुत ही मेरे को बहुत प्रिय था। लेकिन चूंकि रूरू को पसंद है तो रूरू का भी टेस्ट जो है इतनी कम उम्र में ही अच्छा है करके। और मुझे तो विश्वास नहीं होता कि रूरू का और मेरा टेस्ट जो है चीज़ों को लेके वो एक जैसा है। ग्रेट ग्रैंडपा बड़े खुश हो रहे होते हैं और रूरू जो है पेंटिंग को नीचे लिटा रहा होता है। और ग्रेट ग्रैंडपा पूछते हैं कि भाई तुमने ये सारी चीज़ों को कैसे इतनी जल्दी सॉर्टेड आउट कर लिया, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? तो रूरू बोलता है शाइनिंग शाइनिंग यानी कि बेसिकली रूरू को हर जगह पे जो चीज़ें हैं वो शाइन करते हुए नज़र आ रही हैं और उस पे कुछ स्टार्स भी हैं। और रूरू कुछ समझाने की कोशिश करता है कि इतने परसेंट शाइन है उतने परसेंट शाइन है। और दादाजी शाइन तो नहीं देख सकते क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ रूरू को दिखाई देती है लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो रूरू भी बोलता है सच्ची? तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत एक्सलेंट हो और मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा पहले कि ये सारी चीज़ें मतलब इतनी शाइनिंग वाइनिंग है करके। तो रूरू को बहुत प्राउड फील होता है, उसकी अपनी नाक ऊंची हो जाती है। और तभी सीईओ अपने मैनेजर से पूछता है क्या तुम्हें समझ में आया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं करके। तो मैनेजर बोलता है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। हालांकि मैनेजर को ही क्या मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया कि बेसिकली रूरू ने कहा क्या। अब क्या होता है ये जो इंसान है पर्पल हेयर वाला ये बाई कंपनी में आता है और वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट है उसको हेलो बोलता है और बोलता है कि मैं मुआंग बाई से मिलने आया हूँ। और मुआंग बाई हमारे मुँह हैं जो रूरू का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन ये जो पर्पल वाला हेयर वाला इंसान है वो बेसिकली जो हमारी ही फैमिली में जो उनकी बहू है ये की माँ की सिस्टर इन लॉ उनके हस्बैंड हैं ये।
तो ये पूछते हैं यहाँ पर आके हैं कि मुझे उनसे मिलना है, कतके मतलब मिस्टर भाई से मिलना है। तो इनकी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या, तो ये बोलते हैं नहीं। तो ये बोलते हैं कि उन्हें बोलिए कि प्रोड्यूसर क्यों क्यों आए हैं करके, और बोलते हैं कि मैं उनके साथ बात करने के लिए आगे देख रहा हूँ करके। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो फिर भी स्माइल देती है और बोलती है ठीक है आप 1 मिनट रुकिए, और वो फ़ोन लगाती है और फ़ोन पे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं पर मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं है। और फिर आगे बोलती है कि हेलो मैं फ्रंट डेस्क से बोल रही हूँ और यहाँ पर कोई प्रोड्यूसर आए हैं जिनका नाम क्यू क्यू है करके। और तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं इनका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है करके, तो वो फ़ोन रख देती है। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि सॉरी मिस्टर ही, हम आपको बिना अपॉइंटमेंट के जाने नहीं दे सकते, तो आप ऐसा कीजिए कि कभी एक दिन शेड्यूल बना लीजिए किसी और दिन और फिर आप नेक्स्ट टाइम आएगा। तो जो हमारे ये प्रोड्यूसर हैं जो मिसेस जी के सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। तो वो फ़ोन करते हैं और अपना अब प्रोड्यूसर का आइडेंटिटी छोड़ देते हैं और अपने आप को वो एज अ ही फैमिली का मेंबर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं अंकल ही बोल रहा हूँ और मैं नीचे लॉबी में हूँ और मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है करके। तो एक आदमी आता है और बोलता है मिस्टर ही इस तरफ चलिए। तो बेचारी जो ये लेडी होती है रिसेप्शनिस्ट, ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं था लेकिन अब अपॉइंटमेंट हो गया और कोई उसे बुलाने भी आ गया। तो मिस्टर भाई यानी हमारे मुँह पूछते हैं कि अंकल आप यहाँ क्यों आए हैं करके। तो और फिर अपने मन में सोचते हैं कि क्या ही फैमिली जो है वो कोई मेजर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है क्या, लेकिन यदि वो फिर भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है तो वो इस इंसान को मेरे यहाँ क्यों भेजेंगे करके। लेकिन वो मुँह पर कुछ नहीं कहता। और तभी मिस्टर ही यानी कि हमारी ई की मम्मी के भाई बोलते हैं कि मुझे अपने आप को री इंट्रोड्यूस कराने दो, मेरा जो नाम है और मैं कौन हूँ करके। तभी वो बताते हैं कि मैं जो हूँ फिल्म इंडस्ट्री में एक ड्रामा का प्रोड्यूसर हूँ और मेरा नाम यू क्यू ही है करके, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कंपनी में से कुछ न्यूएस्ट टैलेंटेड स्टार्स चाहिए। पर मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये जो प्रोड्यूसर है ये बहुत ही फ्लॉप प्रोड्यूसर है और इसके वैसे कोई सपने पूरे नहीं हुए जिसने जिसके लिए इसने अपना घर छोड़ा था। खैर आगे देखते हैं। तो ये बोलता है कि मैं आपकी कंपनी में से मेल लीड को चुनना चाहता हूँ अपनी फिल्म के लिए। तो ये जो हमारे मुँह होते हैं बाई कंपनी के मालिक, उनके सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये किस टाइप की बातें हो रही हैं। अब मोमो बोलता है कि बट अंकल ही, जैसे ही वो बोलता है अंकल ही, वैसे ही ये जो हमारे अंकल ही हैं वो बोलते हैं वहीं रुक जाओ अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। मतलब अभी 2 मिनट पहले वो अंकल बन के इसके ऑफिस में घुस के आया और अब बोल रहा है कि मैं उसका अंकल नहीं हूँ, और बोलता है कि ठीक है तुम मुझे ना प्रोड्यूसर ही कह के बोलो करके। यानी इनका कहना है कि मुझे प्रोड्यूसर ही या मिस्टर ही कह के बुलाओ लेकिन अंकल ही नहीं कह के बुला सकते। और वो खुद को मतलब अपनी ही कहते हैं ना लोग खुद की तारीफ़ करते हैं, वैसे ही ये भी कर रहे हैं कि मैं बहुत ही जीनियस हूँ और मैं गोल्डन प्रोड्यूसर हूँ करके। और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी से न्यूएस्ट टैलेंटेड एक्टर्स चाहिए, और वो एक्टर जो है उसने मेरे साथ पहले भी काम किया है। तो बेचारा मोमो अभी भी कंफ्यूज रहता है कि आखिरकार किस आदमी ने इस फ्लॉप प्रोड्यूसर के साथ काम किया है करके। और तभी ये प्रोड्यूसर बोलते हैं कि मैं पहले काफ़ी बिजी था, मैं स्क्रिप्ट जो था वो सॉर्ट आउट कर रहा था, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कंपनी ने मेरे आर्टिस्ट को मेरी ही नाक के नीचे से चुरा लिया। और लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम्हारा टेस्ट बहुत गुड है, तुमने सही आदमी को मेरी नज़र से चुराया है करके, और जो तुम्हारी आंखें हैं वो भी बहुत शार्प हैं बिल्कुल मेरी आंखों की तरह। हमारा जो मोमो है वो अभी भी बेचारा कंफ्यूज ही है, फिर भी वो बोलता है, पहले तो बोलता है अंकल लेकिन उसके बाद उसे याद आता है कि उसे अंकल नहीं बोलना है, तो वो बोलता है कि आई मीन मिस्टर ही आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मिस्टर ही हैं प्रोड्यूसर वो बोलते हैं राइट मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पहले से ही उस आदमी को जानते होगे,
बेचारा मोमो और अपसेट हो जाता है क्योंकि यह आदमी सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा, तो अपने मन में सोचता है भाई बता दो किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी अंकल बोलते हैं कि मैं यी के बारे में कर रहा हूँ। तो जो हमारे मुँह है वो बोलते हैं कि क्या बोल रहा है ये, क्या किडिंग कर रहा है या कुछ ऐसा है, बेचारा अभी भी कंफ्यूज है। तो अंकल ये बताते हैं कि ये जो है एक्टर है और बहुत ही पोटेंशियल एक्टर है और इसके जैसा पोटेंशियल आपने कहीं नहीं देखा होगा और ये जो है आज नहीं तो कल बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बनेगा करके, और इसे बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। तो देखो मैंने एक स्क्रिप्ट चूज़ करी है। अब स्क्रिप्ट का नाम होता है माय मैच्योर प्रेसिडेंट, यानी इन्होंने एक स्क्रिप्ट चूज़ की है वो भी इस टाइप की, और वो बोलते हैं कि अब अपॉर्चुनिटी आ गई है उसके दरवाजे पे और उसे ये स्क्रिप्ट करने से कोई रोक नहीं सकता और वो ये स्क्रिप्ट करेगा तो वो फेमस हो जाएगा। अब क्या होता है, मुँह जैसे ये स्क्रिप्ट देखता है उसका ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब सा हो जाता है, लेकिन वो बहुत डाउट करने लगता है कि क्या वाकई में ये स्क्रिप्ट है, और तभी वो सोचता है कि मैंने सारे प्रीवियस वर्क को देखा था जो यी ने किए थे और जो उसका कैरियर था वो बहुत ही क्लियर था और उसको ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए था लेकिन कभी भी उसे कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं था। तो ये प्रोड्यूसर बोलता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये डेफिनेटली जो है यी को ब्रेक थ्रू में काम करेगी, मतलब यी को ऊपर उड़ना ऊंचाइयां छूने में काम करेगी और वो जो है स्टेज में एकदम फायर लगा देगा, इतना अच्छा काम करेगी। तब मोमो अपने मन में सोचता है कि ये एक दूसरी स्टोरी है जो कि फिर से प्रेसिडेंट के बारे में, तो इसमें स्पेशल क्या है, क्योंकि जो यी ने पुराने काम किए थे प्रीवियस वर्क वो भी कुछ ऐसे ही थे अजीब से जिसमें प्रेसिडेंट बना था वो। तो मोमो को समझ में नहीं आता कि वो क्या ही करे। तो हमारा प्रोड्यूसर बोलता है कि क्या तुमने कभी उसका वो नहीं देखा है, किसी द वर्ल्ड नहीं देखा है जो मैच्योर था और उसमें एक न्यू टाइप का करेक्टर था और वो कैसा था, ही इज़ नेवर टायर्ड करके भी एक था और आजकल क्या यंग लड़कियां जो है वो कुछ इस टाइप के मैच्योर टाइप के ड्रामे नहीं देखना पसंद करती क्या। तो बेचारा मोमो बोलता है कि आपको शायद कुछ गलत फहमी हो गई है अंकल ही, आजकल की जो फीमेल फैंस हैं उन्हें मदर हैं विथ देयर लव वाला सीन नहीं पसंद आता है और जो अभी हैं वो प्रिफर करती हैं अपने फेवरेट स्टार को ऊपर ऊंचाइयां छूते हुए देखना, मतलब जो ज़्यादा फेमस होता है वही उनका फेवरेट स्टार होता है। तो प्रोड्यूसर बोलता है इसी वजह से तो मैं काम को हमेशा जारी रखता हूँ और मैं एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर मिलके बनाना चाहता हूँ। तो मुँह इस बार सोचता है कि अब बोल ही देना चाहिए, तो वो बोलता है कि मिस्टर ही मेरे पास आप एक क्वेश्चन है, क्या ये जो ही ने जो पहले काम किया है वो सब क्या आप ही ने प्रोड्यूस किए थे क्या। तो ये जो प्रोड्यूसर होता है इसको ऐसा लगता है कि अरे वाह कोई मेरे बारे में पूछ रहा है और मैं तो गोल्डन प्रोड्यूसर हूँ। तो ये बोलता है हाँ मैंने ही सब कुछ मतलब सीरीज़ जो थे सब मैंने ही लॉन्च किए थे, मुझे उसमें पोटेंशियल दिखा और वो बहुत हार्ड वर्किंग था तो मैंने ये इसके साथ लॉन्च किए, तो मैंने इसीलिए उसको अपने सारे जितने भी आने वाले अपकमिंग प्रोडक्शन था उसी में मैंने उसको लॉन्च कर दिया और मुझे मेरी आगे की आंखों पे भरोसा है, मतलब उसको लगता है कि उसको जो आगे का दूर का देख सकता है उस पर उसको भरोसा है कि यही कुछ ना कर लेगा। तो मोमो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे पता चला कि वो अब तक यही पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फेल्ड और यूज़लेस प्रोड्यूसर के अंडर में था जो ऐसी अजीब अजीब कहानियाँ बनाता है। और तभी मोमो सोचता है कि तभी जब CEO आया था हमारे पास ये लेके कि तुम यी को शट डाउन कर दो करके, तो इसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं थी आने की क्योंकि जिसके पास ऐसा प्रोड्यूसर होगा किसी और को यी को शट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर इतनी फ्लॉप चीज़ें निकालता है कि यी अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा। और इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें वो कभी भी फेमस नहीं होगा। और तभी वो सोचता है कि जो मेरा असिस्टेंट है शी यदि वो आसपास होता तो वो शायद इसका सर ही काट के हाथ में दे देता।
तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो बोलता है, तो आपको मेरा इनविटेशन कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं? तो मुंह बोलता है ऑफ कोर्स, और बहुत ही रुथलेस तरीके से जवाब देता है कि नहीं, ऐसा मुझे ये आपका प्रपोजल जो है अच्छा नहीं लगा करके। अब दूसरी तरफ देखते हैं रूरू, रूरू ने वो पोटलियाँ खोल ली हैं और ये मैजिकल स्क्रोल को वो अभी भी पकड़ के खड़ा है जैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। तो सीईओ पूछता है कि ग्रैंडफादर, क्या आप वाकई में ये सारी पुरानी चीज़ें जो इतनी वैल्यूएबल हैं क्या आप रूरू को देना चाहते हैं? और तभी ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं कि पहले तो मैं प्लान कर रहा था कि इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का बैड लक जो है सील कर दूंगा, पर अब जब तुम्हारे ग्रैंडफादर बेटर होते जा रहे हैं तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये अब जो है मेरे पोजीशन में है सारी चीज़ें। और अब जो ये सब है अब ये किसके लिए है? अब यंगर जनरेशन के लिए ही है, और रूरू हमारा फैमिली का ही बच्चा है। तो सीईओ बोलता है कि लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही प्राइसलेस हैं, यानी बहुत महंगी हैं, और ये बहुत ह्यूज भी है असेट जो है, ये बहुत ह्यूज असेट है, तो यदि आप इस तरह रूरू को देंगे तो क्या ये ठीक लगेगा? तो जो हमारे दादाजी हैं वो बोलते हैं तुम ज़्यादा मत कहो, ये जो यंगर मेंबर्स हैं हमारे फैमिली के वो उनके पास एक्स्ट्रा वेल्थ है और उनको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ये सब चीज़ों को समझते भी नहीं हैं, और तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रूरू के साथ ही छोड़ देना चाहता हूँ, और इससे मैं किसी और को दूँ जिसको वैल्यू ना हो, उससे अच्छा है रूरू के पास रहे, और वैसे भी अब ये मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ, और यदि किसी की कोई ओपिनियन है तो वो लोग डायरेक्टली मेरे पास आके बात कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं ऑल राइट, यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है, अब मुझे अपने टेंपल में वापस जाना चाहिए। तो सीईओ बोलता है कि क्या आप यहाँ तक आए हो तो क्या आप ग्रेट ग्रैंडपा को उठते हुए नहीं देखना चाहते, ग्रेट ग्रैंडपा, और मुझे लगता है कि वो आज रात को जाग ही जाएंगे। तो ग्रेट ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तो बहुत जल्दी में आया था और मैंने अपने डिसाइपल्स को बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यदि मुझे लेट हो जाएगा तो वो लोग मुझे इधर उधर सर्च करेंगे, तो मुझे जल्द ही लौटना चाहिए। अब क्या होता है कि इसी बीच में दिखाते हैं कि माउंटेन पे वहाँ पर दिखाते हैं कि कोई बोल रहा है मास्टर वो जो ये प्लेस जो है डेंजरस है, आप नीचे उतर आइए, दूसरा बोलता है मास्टर ग्रैंड मास्टर नीचे ही होंगे करके, और तभी लोग दे दूसरा सीन दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर लिखा होता है फ्राइड चिकन फ्राइड पिजन और रैंडन विल शिप देम और डकी एडिक्टेड सिटीजन ऑडियो ड्रामा हुज बेबी इज इट पॉपुलर, ये सब लिखा होता है वहाँ पर लिस्ट में। और तभी कोई फ़ोन लेता है देखता है बोलता है कि ये किस टाइप के आर्टिकल हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और बोलते हैं लेट्स सी करके, और तभी देखते हैं कि वहाँ पर रैन रैन को दिखाया जाता है और देखते हैं कि क्या ये ट्रेलर है, और लोग पूछते हैं कि हम ये शो कहाँ देख पाएंगे, और तभी दिखाते हैं दूसरी तरफ कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम यी को नहीं पहचान पा रहे हैं करके, और हमारा रैन रैन बोल रहा होता है कि यी तुम क्या कर रहे हो, और तभी जो लड़की है ग्रीन बाल वाली वो देखती है और बोलती है कि रैन रैन का जो फ्रेंड है उसका फेस जो है बहुत यमी है और प्रिटी है करके। तभी यहाँ पर देखते हैं कि यी जो है वो कैसे कमरा क्लीन कर रहा है और बोलता है कि देखो तुमने कितना डर्टी कर दिया है, तुमने अपने सॉक्स यहाँ वहाँ फेंक रखे, तुम्हारा सॉक्स जो है बिस्तर के अंदर है, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम ऐसे चीज़ों को हाइड मत किया करो, और बोलता है कि जो रैन रैन का घर है वो कितना मैसी है, और तभी रैन रैन बोलता है अरे तुमने मुझे पकड़ लिया, और तभी ये लड़की यहाँ पर बैठ के हंस रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रैन रैन इतना डाउन टू अर्थ होगा और जस्ट मैसी गाय है, दूसरे लड़कों की तरह मैसी है, और वो अपने डर्टी सॉक्स को ऐसे छुपाता है और मैं हंसने से अपने आप को रोक नहीं सकता, और मैं बेट करता हूँ कि ये जो है कोई फेमस शेफ से कम नहीं है, और क्योंकि ये खाना बना रहा था इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, और तभी बताते हैं कि रैन रैन उसको बोलता है कि तुम केयरफुल रहना,
और लोग बोलते हैं कि कितना क्यूट सीन है करके, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही चल रहा होता है। अब दिखाते हैं दूसरी तरफ कि सीईओ अपनी कंपनी में है और कोई वहाँ प्रोजेक्ट समझा रहा है, और तभी वो देखता है कि ये टॉप 10 में है और ट्रेंडिंग है, और ये बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक शो मुझको इतना अटेंशन दिलवाएगा, ये बहुत अमेजिंग है। और सीईओ बोलता है ठीक है, मैं पक्का इस शो को देखूंगा, और फिर वो वापस अपने फ़ोन में स्क्रॉल करने लगता है। अब क्या होता है कि हमारे अंकल के यहाँ पर भी जाता है मैसेज, और सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी सीईओ को भी एक मैसेज आता है, और सीईओ बोलता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग सब अपना काम करो। सीईओ अभी भी बहुत गंभीर रूप से देख रहा होता है और सोचता है क्या कि ये बिल्कुल केयरफुल नहीं हो सकता क्या, इन सब चीज़ों के चलते ही ना वेजिटेबल्स काटते वक्त अपना हाथ की उंगली काट दी। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि बॉर्न स्टार जो है मैनिपुलेटेड है और ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहा है, और क्या ये इस तरीके से वो मार्केट में अपने एंटरटेनर्स को लेके आते हैं लोगों के साथ काम करने के लिए जो फेक कपल्स की तरह काम करते हैं। तभी मैनेजर बताता है कि मैंने इस चीज़ के अंदर देखा है और ये बहुत ही जीनियस ट्रेंड है आजकल, और लोग इसे बहुत सर्च कर रहे हैं, और ये इस टाइप का ट्रेंड है कि लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो अपने आप ही एरोज हो जाती है। और तभी सीईओ फिर भी फ़ोन में देखता रहता है, और वहाँ पर देखते हैं कि चॉप चॉप एंड आई विल कुक, ठीक है तुम चॉप करो मैं कुक करूँगा। और वो अपने मन में सोचता है कि ये ने कभी भी रैन रैन के बारे में मेरे से कभी नहीं कहा, और मुझे अच्छे से पता है कि रैन रैन और ये एक दूसरे से कभी ज़्यादा मिले भी नहीं हैं, तो वो फिर एक साथ काम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हमारे सीईओ को जेलस फील हो रहा है, और वो दोनों इतने इंटीमेट से क्यों दिख रहे हैं इस शो में। तो मैनेजर बोलता है कि ऐसा हो सकता है ना कि उन लोग ये लोग जो इंटीमेट दिख रहे हैं वो सिर्फ इस शो के लिए इंटीमेट दिख रहे हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर यी ऐसे इंसान नहीं है और वो बहुत ही टची पर्सन है। तो सीईओ हमारा फिर स्क्रॉल करता है स्क्रॉल करता है, वहाँ पर जो सारी खबरें होती है वो पढ़ता है, और फिर वो पढ़ने के बाद सीईओ का बेचारा थोड़ा उसका मूड सैड हो जाता है करके। तो अब दिखाते हैं कि रूरू अपने टॉय के साथ खेल रहा होता है और बोलता है कि लिटिल मॉन्स्टर तुम्हें मारना होगा, और मैं तुम्हारे लिए जस्टिस डकी प्रिंस के बिहाफ में जस्टिस करूँगा और तुम्हें पनिश करूँगा। अब वहाँ से रैन रैन का मैसेज आ रहा होता है, और वो बोलता है तुमने देखा कि तुम ट्रेंडिंग लिस्ट पे हो और वो भी नंबर 3 पे, और लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारा प्योर ब्रदरहुड जो है उसको ट्विस्टेड कर दिया है इन लोगों ने, और सब लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट भी कुछ कुछ कर रहे हैं कि हाउ मुझे कैसे करके ट्रू लव मिला है करके, और मैं कभी भी इस टाइप की गॉसिप्स में नहीं रहा हूँ, और क्या मैं अपना ट्रू लव इस गॉसिप की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी क्या मुझे मेरे ट्रू लव को फाइंड करने में। ये सब कुछ पढ़ता है और सोचता है कि ये कैसी बातें चल रही हैं। तभी सीईओ आता है, बोलता है कि थोड़ा दूध पी लो। ये और रूरू जो है दोनों दूध का ग्लास लेते हैं और मज़े से पीते हैं और थैंक यू बोलते हैं। सीईओ देखता है कि दोनों ने अपना दूध का ग्लास भी ख़त्म कर लिया, और दोनों बड़े खुश हो रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो सीईओ पूछता है कि सो आगे बताओ क्या, और तभी वहाँ से रैन रैन का मैसेज आता है कि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और तभी सीईओ पूछता है कि तुम किसके साथ चैट कर रहे हो, तो ये बताता है कि मैं रैन रैन के साथ बात कर रहा हूँ ट्रेंडिंग लिस्ट के बारे में, और हमारा जो शो है हमारे डेली लाइफ के बारे में है, और लेकिन सब लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और वो पूछता है क्या तुम्हें पता है क्या इस चीज़ का मतलब, और तभी सीईओ बोलता है हाँ मुझे पता है, मिस वाई ने मुझे एक बार इसके बारे में बताया था, अर्शिप करके। इसका मतलब होता है कि जो फैंस होते हैं और सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने फेवरेट पर्सन को कपल को रियल लाइफ में देख सकते हैं करके, और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको वो कंपैटिबल समझते हैं एक दूसरे के, और तभी वो इस तरीके से
स्टार्ट करते हैं, और उनका मेन मुद्दा होता है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ कपल कंपैटिबल होकर के, तभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे ट्रेंड्स को एडजस्ट कर देना चाहिए। फिर अपने मन में सोचता है सीईओ कि नहीं, मुझे ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था ही को कि मैं कभी भी उसके काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना ही उनके कैरियर में कभी इंटरफेयर करूँगा। और इसके अलावा वो काफ़ी हैप्पी भी दिख रहा है। और तभी ही बताता है कि मैं कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे नहीं रहा हूँ, ये मेरा पहली बार है कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे हूँ, और मुझे नहीं लगा था कि मैं भी इस तरीके से नाम कभी कमा पाऊँगा करके। मुझे ये सब थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, पर उम्मीद है कि मैंने जितना भी काम किया है वो अच्छा काम किया हो। और तभी सीईओ पूछता है कि क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करते हो क्या, तुम और रैन रैन करके? और मुझे नहीं लगता कि तुम उसको पसंद करते हो। तो ही बोलता है, क्या तुम शो के बारे में बात कर रहे हो? तो सीईओ बोलता है हाँ। तो हम देखते हैं कि जो हमारा रूरू है अब वो सो रहा होता है, लेकिन ही बोलता है कि अरे तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, हम लोग सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा है, और ये सिर्फ टीवी शो के लिए है, और हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या तुमने ये चीज़ नहीं देखी? तो वो बोलता है, ही बोलता है कि मुझे लगा था कि कभी चेयरमैन जो तुम्हारे आजू बाजू जो होगा वो कभी इतना नर्वस नहीं होता है, लेकिन देखो हमारे साहब कितने नर्वस है। मेरा हाथ जो है वो शेक कर रहा है और कोई डोर बेल भी रिंग बजा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मैं नोटिस करता हूँ कि सब जगह कैमरा ही लगे होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ कि चेयरमैन यहाँ पर नहीं है करके। इन द एंड हमने ये शूट कैसे तैसे फिनिश कर लिया जो हमारी स्क्रिप्ट में था, मतलब जो शूट में हो रहा था वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन ही सीईओ को देता है। और तभी सीईओ अपने मन में सोचता है कि किस पागल आदमी ने धरती पर इस स्क्रिप्ट को लिखा था। तो ये पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मेरी एक्टिंग बेटर थी, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी अननेचुरल परफॉर्मेंस था? तो सीईओ बोलता है, नहीं तुमने बहुत अच्छा करा, और इतना अच्छा किया कि मैं भी डर गया था करके। और तभी ही बहुत मोटिवेट होता है, बोलता है मुझे पता था कि रैन रैन और मैं साथ में वर्क करेंगे तो हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, और वो हमेशा करेक्टर के अंदर घुस सकता है और वो हर चीज़ें भूल के भी कई चीज़ें कर सकता है, और मैं जो हूँ वो भी रियली मैंने इन सब चीज़ों को फील किया, मेरे ओल्ड टाइम के फ्रेंड्स के साथ जैसा मुझे लगता था वैसे ही मुझे लगा, और रैन रैन जो है बहुत ही अमेजिंग है। अब सीईओ को ना डर लगने लगता है और जेलस भी हो रहा होता है कि कहीं ही और रैन रैन के बीच में ऐसा ना हो, तो बेचारा का चेहरा थोड़ा काला पड़ जाता है। तो सीईओ पूछता है कि फिर क्या हुआ? तो फिर सीईओ बताता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग तुम लोगों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि तुम जो लोगों को उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वगैरह है करके? तो ये बोलता है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, और वो जो है आखिरकार रैन रैन है, इतना फेमस है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा करके, और यदि किसी को कंप्लेन ही करना है तो मेरे बारे में लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ उसने रैन रैन की पॉपुलरिटी का सहारा लिया है, तो मुझे जो है बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। तो हमारा सीईओ जो है वो और भी डिप्रेस हो जाता है। तो वो पूछता है, क्या तुम उसको पसंद करते हो? तो ये कंफ्यूज होता है, लाइक हिम किसको लाइक हिम, कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो सीईओ बोलता है कि नॉट लाइक अ फ्रेंड और लाइक अ ब्रदर, आई मीन कि मतलब सीईओ बोलता है ना फ्रेंड ना ब्रदर, लेकिन उसका मतलब है कि उस टाइप का लव करते हो, क्या लाइक करते हो। तो वो पूछता है, क्या तुम्हें उसके ऊपर क्रश है? तो ये जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसके टाइप का नहीं हूँ, और वो भी जो है गाइज में नहीं है, जैसे कि मुझे लड़के पसंद है उसे शायद लड़के नहीं पसंद है, और उसे तो शायद मसल वाले लोग पसंद है। तो वो पूछता है कि सीओ पूछता है, तो तुम्हें किस टाइप के लोग पसंद है, तुम्हारा क्या टाइप है? तो ये और कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो सडनली?
और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का कैसे आंसर दूं। मैं एक सेंसिटिव गाय हूं, तो आई गेस मुझे भी सेंसिटिव गाय ही पसंद होगा जो मेरे को मेरे पेट में बटरफ्लाइज दे सके, दिल में बटरफ्लाइज दे सके। बटरफ्लाइज से मतलब यहाँ तितली, तितलियाँ, बगीचे वाली तितलियाँ नहीं है। मतलब यह है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो कैसे हमारे मन में गुदगुली सी होती है, उस टाइप का है। तो सीओ सोचता है बटरफ्लाइज, और वो देखता है कि पेंडेंट भी ग्लो कर रहा है, और हमारे ही की सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका हार्ट बीट जो है बहुत बढ़ने लगता है ये कहने के बाद। और सीईओ बोलता है कि यही तुम्हें क्या हुआ करके, यही का चेहरा पूरा ब्लश हो रहा होता है। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारा जो रूरू है वो आंखें खोलता है, ब्लिंक करता है, और देखता है कि पिंक कलर के थ्रेड जो हैं वो यी और सीईओ को बांधे हुए, और फिर उसके भी सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब दूसरे दिन दिखाते हैं कि बॉर्न स्टार रॉयल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ये जो है वो सोचता है कि मुझे कभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे मुझे बटरफ्लाइज जैसा मेरे दिल में फील होता है, और मुझे लगता है शायद सच में नहीं दिया। लेकिन फिर हम दोनों एक दिन गाड़ी में ऐसे आ रहे थे और मैं उसके कंधे पे सिर रख के सो गया था करके, और वो सोचता है कि इसका मतलब है कि मैं भी शायद सीईओ के बारे में केयर करता हूँ, और या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों रूरू को पसंद करते हैं शायद इसलिए। तो तभी वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन यदि ऐसा होता तो मेरा दिल इतनी जल्दी जल्दी नहीं धड़कता, यदि सिर्फ रूरू के ही बारे में बात है तो ऐसा मेरा दिल नहीं धड़कता, मेरा जो दिल था वो इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि शायद वो मेरे गले से ही बाहर निकल जाता। और मैंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो रूरू के बाद कैसा होगा करके, क्या वो और जिन याओ या मैं और जिन याओ कैसे होंगे। तभी वो हमारी सिंगर पीछे से आती है और यी को गुड मॉर्निंग कहती है। यी बेचारा चौंक जाता है और वो अपनी टीचर को देखता है और बोलता है कि मिस जैंग, जो मिस जैंग ने मतलब हमारी टीचर ने जो है मुझे कहा था कि कुछ प्रॉप्स को अपस्टेयर से लेके आना है। हमारी ये सिंगर लड़की बोलती है और वो थोड़ा हैवी है, क्या तो तुम मुझे मदद करोगे। तो ये बोलता है श्योर, और वो बोलता है कि चलो हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं। और तभी लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही मॉर्निंग रश है तो हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं। ये बोलता है गुड आइडिया। तभी बाई और मिस्टर लिन बात कर रहे होते हैं। लिन बोलता है कि तुमने प्रोड्यूसर जो वो मतलब यूजलेस प्रोड्यूसर आया था उसका रिक्वेस्ट तुमने डिक्लाइन कर दिया क्या। तो वो बोलता है, भाई बोलता है हाँ अंकल ही जो है वो रियल प्रोड्यूसर है, बट उनका जो वर्क है बहुत बहुत ही बेकार है, और वो बहुत ही क्रैपी सीरीज़ बनाते हैं ही के लिए, और ऐसे सीरीज़ बनाएंगे तो उससे कभी भी कोई भी जो है तरक्की नहीं होगी, सिर्फ डाउनफॉल ही होगा। वो इतने गंदे सीरीज़ थे कि मुझे मेरी आंखें बार बार धोनी पड़ी। अब ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हारा शो देखा था जिसमें तुम थे, तुम और रैन रैन बहुत ही क्लोज दिख रहे थे, और तो तुम दोनों कैसे मिले। तो ये बताता है कि हम एक शो के बाद में क्लोज हो गए। तो लड़की बोलती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कैसे मतलब ब्लैकलिस्ट हो गए थे करके। तो मतलब वो सुन रही होती है किसी की बातें, और तभी भाई बता रहा होता है मिस्टर लिन को कि वो वेब सीरीज़ कितनी बेकार थी, और तभी ये बोलता है कि क्या हुआ तुम रुक क्यों गई। तो लड़की बोलती है ओ नथिंग, कुछ नहीं हुआ।